अस्सलाम वालेकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शराह सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, चीज़ों को शुरू करते हैं। क्लियर है चीज़ें जी? आवाज़ आ रही है स्क्रीन और आवाज़ आर वी क्लियर? पिछले टॉपिक से वालेकुम सलाम। पिछले टॉपिक से ज़्यादा रिलेशनशिप नहीं है जी, बिल्कुल नया फ्रेश टॉपिक है। कोई मसला नहीं, मटेरियल अगर किसी का एक दो क्लासें मिस हो गई हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है जी, चलें जी स्टार्ट करते हैं जी। वालेकुम सलाम समीउल्लाह नजम। अच्छा जी यार, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है जो अब स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, इस टॉपिक का की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा कहाँ से निकलेगा? इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा मैं तुम लोगों को कहाँ से कराता हूँ, ज़रा गौर करना। ये टॉपिक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये देखें, ये मैंने आपको पहली क्लास में दिखाया था कि सीबी एनालिसिस का जो टॉपिक है वो तकरीबन हर टाइम में आता है। कहाँ गया जी सीबी एनालिसिस? ये था सीबी एनालिसिस का टॉपिक। आप देख रहे हैं ऑटम 19 में भी आया हुआ है, स्प्रिंग 8 में भी आया, 19 में भी आया हुआ है। ठीक है जी, इसके अलावा ये ऑटम 18 में भी आया हुआ है, स्प्रिंग 18, ऑटम 17, स्प्रिंग 17। छुट्टी नहीं की है, नागा नहीं किया। ठीक है, लगातार आया जा रहा है, लगातार आया जा रहा है। हाँ, स्प्रिंग 2020 में नहीं आया, जैसे कि ऑटम 16 में नहीं आया था, इस तरह भी स्प्रिंग 2020 में नहीं आया, मगर बहुत चांसेस हैं क्योंकि आप देखें ये लगातार आया जा रहा है। अच्छा, उससे पहले भी लगातार आया जा रहा है, आप समझ रहे हैं, लगातार आया जा रहा है। तो इसकी छुट्टी होती है 5-6 टाइम बाद हम इसको एग्जामिनर ऑफ देता है, चलो यार ये नहीं पूछते। तो मैं समझता हूँ कि इसका ऑफ हो चुका है जी अभी स्प्रिंग 2020 में, तो ये पेपर में बहुत ज्यादा आने के चांसेस हैं। अच्छा, ये वो टॉपिक है जिसके बारे में मैंने पहली क्लास में बताया था आपको। क्या बताया था पहली क्लास में आपको? मैंने आपको, अच्छा ये यहाँ से भी देख सकते हैं, ये ग्रिड आपके पास किताब में इंशाल्लाह अवेलेबल होगी। किताब के लिए एडमिन ने बहुत सारे लोगों से कॉन्टेक्ट कर लिया है। ठीक है, जिन्होंने जो रजिस्टर हो चुके हैं, जिन्होंने फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है, आउटसाइड कराची लोगों से इंशाल्लाह जल्द जो है बुक से रिलेटेड नेक्स्ट वीक में आपके पास जो है कोई न्यूज आ जाएगी। ठीक है जी, खैर तो आप देखें ऑटम 19, स्प्रिंग 19, लगातार लगातार, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझे, ये टॉपिक कन्फर्म समझ लें पेपर में आने का। ठीक है, और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा ध्यान खुलेगा इससे। कुछ मैथमेटिक्स दरकार है, मगर जितनी मैथ्स दरकार है वो सारी की सारी मैथ्स इंशाल्लाह मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, वो कोई मसला नहीं, वो हम आपको क्लास में सिखा देंगे। तो ये जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यार ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक और बात मैंने पहली क्लास में आपसे कही थी कि ये देखें, ये मैंने लिखा था सीबी एनालिसिस, देखें नाम आ रहा है पुराना जो मैंने आपसे, ये मैंने आपको बताया था इस टॉपिक से रिलेटेड। एक खास बात ये कि इस टॉपिक से रिलेटेड आईकैप मॉड्यूल एफ पे रहा है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे जा रहा है। जैसे मैंने बिल्कुल पहले क्लास में बात की थी आपसे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पास पेपर्स की तरफ जा रहे हैं, तो जो ये ऑटम 19 का सवाल था, इट वाज वेरी मच सिमिलर टू विंटर 1/14। ठीक है ना, तो ये इंशाल्लाह आपको मेरे हैंडआउट्स वगैरह में और किताब में आपको ये कवरेज नजर भी आ जाएगी, होती नजर आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह एक और सवाल था विंटर 2013 का, वो सवाल भी तकरीबन रिपीट हुआ है। कहाँ पे वो हुआ है? तकरीबन स्प्रिंग 2019 में। तो ये टॉपिक जो है वो आपको सीए फाइनल लेवल से भी जो है वो तो रेफर करना होगा, कि जितना सीए फाइनल से रेफर करना है उतना इंशाल्लाह आपको क्लास में करा दिया जाएगा, क्लास में करा दिया जाएगा। तो ये इसका कुछ बैकग्राउंड था। ठीक है जी, तो इसको बड़ा सीरियसली लेना है, कोई छुट्टी नहीं करनी, लाइव क्लासेस में ही फॉलो करें तो ज्यादा बेहतर है, रिकॉर्डिंग्स भी नहीं जाइएगा, ज्यादा बेहतर है कि साथ साथ ही लेके चले। अच्छा, अब मैं कुछ बैकग्राउंड पे आ रहा हूँ इस टॉपिक के। देखिए जी, कॉस्ट के 3 कॉम्पोनेंट होते हैं। ठीक है ना, ये बात तो हमें पता है बहुत अच्छे से। ठीक है जी, क्या क्या कॉम्पोनेंट होते हैं कॉस्ट के? जी, कॉस्ट के कंपोनेंट बताए जरा जी, पहली क्लास, बिल्कुल पहली क्लास। इस टॉपिक का मैंने कहा ना पीछे से कोई खास लिंक नहीं है, थोड़ी बहुत बातें हैं पिछले से लिंक है, मगर बस बेसिक पता होनी चाहिए। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, मटेरियल लेबर ओवर, ठीक है, इत्तेदाद मुबशर अदीक सतीश कुमार, बिल्कुल सही है। मटेरियल होता है तो लेबर होता है, ओवरहेड होता है। ठीक हो गया, बेहतरीन हो गई बात, बेहतरीन हो गई बात। ईशान अख्तर एब्सोल्युटली राइट, अमित कुमार बिल्कुल सही कह रहे हो, शहीद एब्सोल्युटली राइट, सही है मुगीज। अच्छा, अब एक बात मुझे बताओ, दो तरह की कॉस्ट होती है, कौन कौन सी? एक होती है वेरिएबल कॉस्ट और एक होती है फिक्स कॉस्ट, फर्क बताएंगे दोनों में क्या होता है यार? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, फर्क बता दें दोनों में क्या है?
वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, विच वेरीज और चेंजेस विद द नहीं, अब यहां पे चेंज करना है मुझे, यहां पे मुझे चेंज करना है वेरीज विद द आउटपुट, मुनासिब नहीं है वर्ड, मुनासिब नहीं आउटपुट कहना, विच वेरीज विद द विच चेंजेस विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, नहीं लेवल ऑफ एक्टिविटी, लेवल ऑफ एक्टिविटी, यस यस जुबैर, यस नूरुद्दीन, बिल्कुल सही है साइम रिशद, एक्टिविटी एक्टिविटी कैसे, अच्छा लेवल ऑफ एक्टिविटी से क्या मुराद है इसको मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है ठीक है, लेवल ऑफ प्रोडक्शन भी कह सकते हैं मगर ज्यादा अच्छा वर्ड लेवल ऑफ एक्टिविटी है, फिक्स कॉस्ट क्या है, विच डू नॉट वेरीज विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी, विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी, ठीक है जी, अच्छा कोई अगर मुझे मैसेज नहीं भेज पा रहा तो मुझे वो सेलेक्ट कर ले एसटी एकेडमी, सऊद तारिक सेलेक्ट ना करें ना, एसटी एकेडमी सेलेक्ट करें चैट में, सही है आप सेलेक्ट करें एसटी एकेडमी, बिल्कुल मेरे पास मैसेज आएंगे, ठीक है जी, हरमीन आपका मैसेज भी आ गया, निशान अख्तर का मैसेज आ गया, ठीक है, सेलेक्ट नहीं हो रहा तो लॉग ऑफ करके लॉग इन कर लें, वेस्टवेल लॉग ऑफ करके लॉग इन कर लें, ठीक है मतलब वापस रीज्वाइन कर ले मीटिंग ना तो हो जाएगा, अच्छा तो क्या कह रहा था मैं, विच वेरीज विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी, ठीक है जी डन हो गया, शहबाज अली कह रहे हैं, ओके शहबाज अली का मैसेज आ गया, अच्छा तो एग्जांपल मुझे सवाल मटेरियल के बारे में क्या ख्याल है, वेरिएबल कॉस्ट है या फिक्स कॉस्ट है मटीरियल, मटेरियल के बारे में क्या कहते हैं आप लोग, व्हाट डू यू थिंक, हाँ सही है डानी ने कहा वेरिएबल है, हरमीन ने कहा वेरिएबल है, ठीक है, इतदाज आदल बात्रा अयूब सतीश नूरुद्दीन, ठीक है समीर मुबशिर अतीक रिशान अख्तर अहमद बिलाल खान समीरुल्ला नजम शाहिर शहबाज अली निम्रता मंदानी, ठीक है सही है शहबाज, सही कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, सब सही कह रहे हो वेरिएबल है, बिल्कुल सही है बासिल भट्टी पी शॉ, बिल्कुल सही है बिल्कुल सही, इट्स वेरिएबल, ठीक है ना, एग्जांपल फॉर एग्जांपल क्यों, अच्छा क्यों वेरिएबल है, क्योंकि हमें पता है ज्यादा यूनिट्स बनाएंगे ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो ज्यादा कॉस्ट आएगी, ज्यादा मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, और अगर कम यूनिट बनाएंगे तो कम कॉस्ट लगेगी कम मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, लेबर के बारे में क्या ख्याल है, लेबर डायरेक्ट लेबर जो है डायरेक्ट लेबर जो होता है उसके बारे में क्या ख्याल है, वेरिएबल है या फिक्स्ड है, व्हाट डू यू थिंक, हाँ बिल्कुल सही है हरमीन बिल्कुल सही है, नहीं वैसे तो दोनों हो सकते हैं, ज्यादा मेजोरिटी क्या कहते हो, हाँ प्राइमरीली क्या लग रहा है, प्राइमरीली कि अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो मुझे ज्यादा बंदों की जरूरत है, ज्यादा लोगों की जरूरत है, ज्यादा लेबर की जरूरत है, बिल्कुल सही है पीशो अयूब एतजाज वशीर अतीक एब्सोल्युटली राइट अक्सा खत्री एब्सोल्युटली राइट बिल्कुल सही हो गया उमर फारूक, ठीक है उमर फारूक शाबाश समीउल्ला नजम ठीक है डानी बेस्ट हो गया जुबैर प्राइमरीली तो वेरिएबल होगी, सीखे वलीद वजाहत समीर ने भी सही कहा वेरिएबल होगा, ठीक है दोनों हो सकती है बिल्कुल सही कह रहे हो बासिल भट्टी मगर प्राइमरीली तो वेरिएबल है ना, अच्छा एग्जांपल क्या है वेरिएबल की, मटेरियल है लेबर है, ठीक है जी बात करते हैं बिल्कुल बात करते हैं जीशान इस पर, अच्छा ओवरहेड्स के बारे में क्या ख्याल है, ओवरहेड दो तरह के होते हैं चंदा, ओवरहेड के बारे में हमारे पास दो चीजें हैं, हाँ बिल्कुल वेरिएबल भी होते हैं फिक्स भी होते हैं, अच्छा वेरिएबल और फिक्स को पहचानने का एक तरीका एक टोटका बता दूं मैं आपको, एक टोटका बता दूं कि वेरिएबल और फिक्स को पहचानेंगे कैसे, वेरिएबल और फिक्स को पहचानेंगे कैसे, इसके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वेरिएबल और फिक्स को पहचानने का तरीकेकार यह है कि यार एक बात याद रखिएगा ये हैंडआउट में भी लिखी हुई है, यूनिट्स वेरिएबल कॉस्ट, अब मैं लेवल ऑफ एक्टिविटी भी बात करता हूँ, फिक्स कॉस्ट मिसाल के तौर पे 1000 यूनिट्स है तो वेरिएबल कॉस्ट है 5000 मिसाल के तौर पे,
और फिक्स कॉस्ट भी 5,000 है मिसाल के तौर पर। अच्छा अगर यूनिट्स 1001 हो जाए तो आपको क्या लगता है वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी या नहीं होगी? हाँ वेरिएबल कॉस्ट चेंज होनी चाहिए या ना ही होनी चाहिए, व्हाट डू यू थिंक? यस यस, कितनी हो जाएगी? कैलकुलेटर साथ रखे ना यार, क्या बात है, दानी ने निकाल लिया, गुड शहीद शाबाश, ठीक है कितना मुझे फिगर बता सकते हो आप? बिल्कुल सही है, कितनी? बिल्कुल सही है 5,005। कैसे? एक यूनिट की कितनी आ रही है? 5 आ रही है एक यूनिट की, 5,000 डिवाइड बाई 1,000, सही है ना, एक यूनिट की 5 आ रही है, तो एक यूनिट ज्यादा तो कॉस्ट ज्यादा, एक यूनिट ज्यादा तो कॉस्ट ज्यादा, एक यूनिट बढ़ गया तो कॉस्ट कितने से बढ़ गई? 5 से बढ़ गई एक यूनिट बढ़ने की वजह से। और अगर एक यूनिट कम हो जाए 999 यूनिट हो जाए, अब कॉस्ट कितनी हो जाएगी? अब कॉस्ट 5,000 नहीं रहेगी, अब कॉस्ट हो जाएगी 4,995। एक यूनिट कम तो कॉस्ट कम, एक यूनिट कम तो कॉस्ट कम। अगर कोई खासियत, अगर ये खासियत, अगर ये करेक्टरिस्टिक किसी कॉस्ट में मौजूद है चाहिए, तो इस कॉस्ट को हम क्या कहेंगे आइंदा से? अगर ये करेक्टरिस्टिक किसी कॉस्ट में मौजूद है कि एक यूनिट ज्यादा तो कॉस्ट ज्यादा, एक यूनिट कम तो कॉस्ट कम, तो ये प्योर वेरिएबल, प्योर वेरिएबल। एक सेमी वेरिएबल भी होता है, वो आगे वक्त के साथ साथ बता दूंगा, कोई मसला नहीं, आज आज उसका मौका नहीं है, मगर इंशाल्लाह आगे के लेक्चर्स में ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट से मुलाकात करानी है आपको। तो मैं रिपीट करूंगा बात को, एक यूनिट ज्यादा तो कॉस्ट ज्यादा, एक यूनिट कम तो कॉस्ट कम, जितने से ज्यादा उतने से कम, ठीक है जी। तो ये आपके लिए कौन सी कॉस्ट हो गई, ये आपके लिए हो गई वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा फिक्स कॉस्ट की खास बात क्या है? फिक्स कॉस्ट की खास बात ये है कि यार चाहे यूनिट एक से ज्यादा हो चाहे यूनिट एक से कम हो, ये तो क्या रहेगी, ये तो बेचारी फिक्स ही रहेगी, सेम ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी, नहीं होगी। हाँ अच्छा, क्या ये उम्र भर सेम रहेगी, जिंदगी भर सेम रहेगी? क्या कभी इसने वादा किया हुआ है कि कभी चेंज नहीं होगी कॉस्ट? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेवल ऑफ एक्टिविटी, लेवल ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से जो है वो क्या कहते हैं सेम रहेगी, वैसे ही फ्लक्चुएट होती रहती, वैसे ही हो सकती है इन्फ्लेशन की वजह से एग्रीमेंट चेंज हो जाता है लोगों का, रेंट का, उसकी वजह से चेंज हो जाती है, ठीक है ना, फॉर सर्टेन पीरियड। वेरी राइटली सेड उमर फारूक, बिल्कुल सही है, इट सेम रिगार्डिंग ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी, बट इट कैन चेंज ड्यू टू सम अदर फैक्टर्स सच एज इन्फ्लेशन, सच एज योर रेंट एग्रीमेंट, ठीक है ना, किसी अदर चीज की वजह से चेंज हो सकती है। अच्छा मेरा सवाल, मेरा सवाल, वेरिएबल ओवरहेड्स की कोई एग्जांपल दें, वेरिएबल ओवरहेड की कोई एग्जांपल दें, अच्छी सी एग्जांपल। वेरिएबल ओवरहेड की क्या बहुत बहुत अच्छी एग्जांपल दी अवैध सुहेल ने, आ रहे हैं अवैध सुहेल तुम्हारे कमेंट्स अब यार, पावर, ठीक है ना, और फ्यूल, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। अच्छा ये बहुत अच्छी एग्जांपल हो गई, सही है, मुझे फिक्स ओवरहेड की एग्जांपल दें, सबसे मशहूर एग्जांपल, सबसे पहले लाइन में आती है लोगे, हाँ सबसे पहले ये जुबैर ने बिल्कुल सही कहा जी, रेंट और डेप्रिसिएशन क्या है, वेरिएबल है फिक्स है, क्या बात हुई थी इस पर, इनिशियल लेक्चर पे बात हो चुकी है कि डेप्रिसिएशन जो है वो तो बेहतरीनों के बाद रेंट, बिल्कुल सही है, इंश्योरेंस, वेरी गुड, और बेहतरीनों के बाद सुपरवाइजरी सैलरी, यस डेप्रिसिएशन भी फिक्स होती है चंदा, ठीक है जी, क्लियर है बात हमें, डेप्रिसिएशन आपकी क्या है फिक्स्ड, आउटपुट मेथड या दुनिया में इतना फॉलो नहीं होता ना उमेश चंदा, इस वजह से ठीक है। शहबाज ने सही कहा, जुबैर ने सही कहा, फरमान क्या बात है, फरमान तुम भी आए हो आज, फरमान वेजेस जो है ना नॉर्मली लेबर की होती है, तो लेबर तो वेरिएबल है ना चंदा, हाँ अगर इनडायरेक्ट लेबर है, सुपरवाइजर की बातें हो रही है तो अलग बात है, बट वैसे अगर देखा जाए तो वैसे तो यार ये फिक्स्ड ही होगा ना, वैसे तो फिक्स्ड ही होगा, बिल्कुल सही, निशान अख्तर, उमर फारूक, आदर्श बात्रा, पी शॉ, अवैध सुहेल, शहीर, मुबशिर अतीक, ठीक हो गया, इब्राहिम आदिल, मुगीर, शहबाज अली, अहमद बिलाल खान, गुड टू सी यू, सतीश, शाबाश, बेहतरीन हो गया, आर्य इमरान, ठीक है। अच्छा अब एक और गेम समझ लें यार बात को, एक ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ मैं, फिर इन बातों को आप नोट भी कर लेना, मैं कुछ ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, इनिशियल लेवल की पहली क्लास है इसकी, सी बी एनालिसिस की, तो मैं चाह रहा हूँ डिटेल में कॉन्सेप्ट पे बात हो जाए,
आगे जाके भी राइसी बता आहिस्ता 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 लेवल हमारा इंक्रीज होता जाएगा। अच्छा ये वेरिएबल कौन सा ग्राफ कैसे बनेगा, वेरिएबल कौन सा ग्राफ कैसे बनेगा बताएं जरा कुछ। हाँ कहाँ से स्टार्ट होगा ग्राफ बनाना सर, ऐसे ही समझाने के लिए कैसे। हाँ बिल्कुल सही है, वैसे अपवर्ड स्लोप बनेगा, स्ट्रेट लाइन तो बनेगी, जीरो से बनेगा, सही का साइम इरशाद ने, मुबशिर अदीक ने सही का, ओरिजिन से बनेगा, उमर अहमद वेरी राइट, ये रहा ओरिजिन, ठीक है ना, ऐसे ही बनेगा। यूनिट ज्यादा तो कॉस्ट ज्यादा, यूनिट ज्यादा तो कॉस्ट और ज्यादा, यूनिट बहुत ज्यादा तो कॉस्ट और ज्यादा, सही है ना, फ्रॉम ओरिजिन बनेगा। तो ये हो गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ। अच्छा आओ जरा पहले इसको नोट भी कर लेना तुम लोग चाहो तो इन बातों को, आओ जरा मैं एक और कौन से एक और बना देता हूँ। सिक्स कॉस का ग्राफ कैसे बनेगा, सिक्स कॉस का ग्राफ, हाँ सही है, कमेंट में कोई बना के दिखाए तो मजा आए ना यार, सही कहा आपने, जीरो से ऊपर स्ट्रेट लाइन, जीरो से ऊपर स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी। और अच्छा सेल्स का ग्राफ कैसे बनेगा, सेल्स का टोटल कॉस्ट कैसे बनेगा, टोटल कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट का दोनों को ऐड कर देंगे। अच्छा सेल्स का कैसे बनेगा, अगर मैं सेल्स का बनाना चाहूँ ऐसे ही, क्या बात है हाजी सिमरान आपकी, गुड ट्राई ना हाजी सिमरान, वेरी गुड ट्राई। सेल्स का कैसे बनेगा, सेल्स का, हाँ 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 वेरी गुड मूवीज, अच्छी ट्राई की आपने, हाँ अपवर्ड स्लोप फ्रॉम द ओरिजिन, अगेन वेरिएबल कॉस्ट कितना बनेगा मगर स्लोप थोड़ी चेंज होगी, स्लोप थोड़ी चेंज होगी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा अब मैं एक ग्राफ और बनाने जा रहा हूँ, फिर बस हम आगे बढ़ेंगे और सवालों पर आएंगे। यार बहुत सारी बेसिक बातें हो रही हैं मगर अगेन आज बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास है, काफी सारे मैं फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आपको। अच्छा अब एक होता है ब्रेक इवन चार्ट, ब्रेक इवन चार्ट किसे कहते हैं, डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। लेट्स से ये सेल्स, अरे स्ट्रेट नहीं बन रही मुझसे, स्केल लेना पड़ेगा मुझे भी लगता है, चलो मान लो ये स्ट्रेट है। अच्छा टोटल कॉस्ट का ग्राफ कैसे बनेगा, क्या बात हुई थी, टोटल कॉस्ट, टोटल कास्ट का ग्राफ कैसे बनेगा भैया, टोटल कास्ट का ग्राफ, चलो खैर हो यार, ओरिजिन के ऊपर से बनेगा। देखो यार टोटल कॉस्ट का ग्राफ, टोटल कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल प्लस फिक्स होती है, तो टोटल कॉस्ट का ग्राफ ऐसे नहीं बनेगा जैसे फिक्स कॉस्ट का बने, फिक्स प्लस वेरिएबल दोनों को मिलाना पड़ेगा, इट मींस के फिक्स कॉस्ट भी होगी, सही है, और वेरिएबल कॉस्ट भी होगी, और वेरिएबल कॉस्ट भी होगी, तो ये ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे, सही है, कोई लाइनें टेढ़ी हो रही है मगर खैर हो गई यार, ये टोटल कॉस्ट, फिक्स प्लस वेरिएबल, शिफ्ट हो गया थोड़ा ग्राफ ना, वेरिएबल का ग्राफ थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट कर दिया, स्लोप हो गया, बिल्कुल सही, ठीक है ना, फिक्स प्लस वेरिएबल को ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट आती है, ठीक हो गया। ये पॉइंट कौन सा कहलाता है, इस पॉइंट का एक खूबसूरत सा नाम है, क्या कहते हैं इसको, हाँ जहां पे सेल और कॉस्ट बराबर होती है, प्रैक्टिकली भी यूज होता है बहुत, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, सही है जी, ब्रेक इवन, बेहतरीन हो गई बात, बिल्कुल सही है तेजाज, हमिद कुमार, मुबशिर, नूरुद्दीन, आराफ, बिल्कुल सही है, ब्रेक इवन पॉइंट, ये ब्रेक इन पॉइंट यूनिट्स में, ये ब्रेक इन पॉइंट रुपीज में, अमाउंट में, अमाउंट में, सही है जी। अच्छा अब नो प्रॉफिट नो लॉस, बिल्कुल सही है रेहान, बेहतरीन हो गई बात। अच्छा अब जरा गौर करिएगा यार, एक बात बताएं, ब्रेक इवन से पहले, ब्रेक इवन के बाद क्या है, ब्रेक इवन के बाद ये एरिया, व्हाट डू यू थिंक,
इसमें मिसाल के तौर पर वाई में प्रॉफिट है या लॉस है? हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही है साइम, रेहान, नूरुद्दीन, समीउल नजम, वेरी गुड जुबैर, शहबाज अली, बिल्कुल सही कह रहे हो, इब्राहिम आदिल, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, अयूब पी शॉ, मुही अहमद, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही है, सेट हो गया सतीश, बिल्कुल सही है, प्रॉफिट है, क्यों क्यों? क्योंकि सेल ज्यादा है और कॉस्ट कम है, सेल ज्यादा है ऊपर है देख रहे हो और कॉस्ट नीचे है, तो ये जो एरिया है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एरिया ऑफ प्रॉफिट, ठीक है ना? क्योंकि बेसिक बात है आज पहली क्लासेस की, तो पहले हम डिटेल में बातें कर लें, आज के बाद फिर हम डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करेंगे, ठीक है जी? बिल्कुल सही है, कॉस्ट से ज्यादा है सेल्स, कॉस्ट से ज्यादा है सेल्स, बिल्कुल सही है रेहान, बिल्कुल सही है शिराज, जो एब्सोल्युटली राइट। और अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं, यहां पे क्या है, ये लॉस है, कॉस्ट ज्यादा तो सेल्स कम, कॉस्ट ज्यादा तो सेल्स कम, कॉस्ट ऊपर तो सेल्स नीचे, तो इसे हम कहते हैं एरिया ऑफ लॉस, ठीक है जी? बिकॉज कॉस्ट इज ग्रेटर, बिल्कुल सही बात करती, बेहतरीन हो गया, जबरदस्त माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट समीउल्लाह, सतीश, मुबशिर, ठीक है? अच्छा एक बात छोटी सी बात मैं और बताऊंगा, फिर इसको तुम लोग नोट कर लेना और मैं सवालों की तरफ आऊंगा, आहिस्ता आहिस्ता कौन से बनाना है, आज बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, फॉर्मूले कैसे बनते हैं मैं आपको फॉर्मूले के पीछे लॉजिक बता दूंगा, तो आपको रटा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फॉर्मूले आप ध्यान में बिठा लेना कि यार ये इसके पीछे लॉजिक ही है, ठीक है ना? लॉजिक से चलेंगे, आपको लगेगा ये पूरा टॉपिक बगैर फॉर्मूलों के सिंपल मैथ से हो सकता है, पूरा टॉपिक फॉर्मूलों के बगैर भी हो जाएगा अगर किसी की मैथ स्ट्रांग है, मगर फिर भी क्योंकि हर किसी की मैथ इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो इसलिए बेहतर है कि मेरे ख्याल से आई थिंक है मैं आपको फॉर्मूले भी सिखा दूँ और जो है वो क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं फॉर्मूले भी सिखा दूँ और मैथमेटिक्स भी सिखा दूँ, मैथमेटिक्स भी सिखा दूँ। अच्छा एक बात छोटी सी बात मुझे एक बस ये बता दें, लास्ट बात है फिर ये इसको नोट कर लीजिएगा, मैं नोट करने का टाइम दूंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। मुझे ये तो बताइए कि आप इस पॉइंट पे टोटल कॉस्ट का ग्राफ जीरो से इसलिए स्टार्ट नहीं हो रहा यूब, क्योंकि टोटल कॉस्ट होती है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कभी जीरो होगी नहीं क्योंकि कोई ना कोई कॉस्ट फिक्स कॉस्ट तो होगी ना, सही है ना? फिक्स कॉस्ट तो कोई ना कोई होगी ना यूब, तो इसलिए फिक्स कॉस्ट होने की वजह से हम टोटल कॉस्ट का ग्राफ जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते। अयूब बात समझ आई, मोहम्मद अयूब टू, क्योंकि कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट तो लाजमी होगी, 10,000, 50,000, 1,00,000, 5,00,000, तो अगर यूनिट जीरो भी हो जाए तो भी कुछ ना कुछ कॉस्ट नजर आ रही होगी, चलो बेस्ट हो गया। अच्छा अब जरा यार ये एक सवाल है मेरा आपसे, ये मैंने बात कर ली आपसे, मेरा एक सवाल है, ये पी, इस पॉइंट पी पे आप सेफ हैं यस और नो? इस पॉइंट पी पे आप सेफ हैं यस और नो? व्हाट डू यू थिंक? एक बंदा पूछ रहा है कि क्या आप सेफ हैं इस पॉइंट पे, अगर आप पी पे खड़े हैं, मिसाल के तौर पर एक्स है 1,000 और पी है 1,500, तो क्या आप 1,500 पे सेफ हैं? सेव है, सेफ क्यों क्यों? सही है अफान, अफान अली सही है, नूरुद्दीन फरमान सही कह रहे हो, सतीश सही कह रहे हो, हरमीन एब्सोल्युटली राइट, आराफ ठीक है, क्योंकि नजर आ रहा है कि क्यों, क्योंकि नजर आ रहा है कि यहाँ सेल ज्यादा है और कॉस्ट कम है, नजर आ रहा है कि एरिया ऑफ प्रॉफिट है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, तो इट मीन ब्रेक इवन के बाद आप कहीं भी खड़े हो, यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो, कहीं भी खड़े हो, ब्रेक इवन के बाद आप हर जगह क्या हो गए, सेफ। अच्छा कितने से सेफ हो बस मुझे ये बता दो, कितने से सेफ हो? 1,000 यूनिट्स ब्रेक इवन है, 1,500 यूनिट्स आप खड़े हो, तो आप कितने यूनिट से सेफ हो बस मुझे ये बता दो, हाउ मेनी यूनिट्स यू आर सेफ बाय, यू आर सेफ बाय, वेरी राइट, वेरी राइट हरमीन, अवैस सुहेल, बिल्कुल सही का, दानी, उमर फारूक ठीक है, आराफ, बेस्ट हो गई बात, बेस्ट हो गई बात, 500 यूनिट्स। इसे हम क्या कहते हैं, इस सफर को क्या कहते हैं, इस लाइन को क्या कहते हैं, इस लाइन का एक नाम है, इस लाइन का नाम है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एनीथिंग अबव ब्रेक इवन यू आर सेफ ना, यू आर सेफ, एनीथिंग एनी पॉइंट अबव ब्रेक इवन यू आर सेफ, यू आर सेफ, ठीक है नूरुद्दीन, बिल्कुल सही, 500, तलासन जबरदस्त सही बात कर रहे हो, तो 500, तो ये आप कितने से सेफ हो जी, 500 से सेफ हो,
दिस इज स्क्वाट, दिस इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, दिस इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी. क्लियर है बात हमें? इज दिस फाइन? जरा इसको नोट करें जरा यार. वीडियो बंद कर लो भाई. चलो हमने बंद कर दी. वीडियो बंद करें काइंडली यार. नोट करेंगे प्लीज इसको जरा. बुक में ग्राफ है जी? बिल्कुल है जी ग्राफ. ये सारे ग्राफ नहीं, ब्रेक इवन चार्ट है, मेन वाला ग्राफ है. ये ले जी, शुरू से शो कर दिया. चले जी, नोट कर लिया मेरे इन ग्राफ को, इन चीजों को, फिर हम आगे बढ़ेंगे. जल्दी से नोट कर लिया प्लीज, फिर बात को आगे बढ़ाया जाएगा. अच्छा एक छोटी सी बात मैं और करता चलूं, आप साथ साथ नोट करते रहो, सिर्फ सुनते रहो. ये लेवल ऑफ एक्टिविटी किसे कहते हैं, इस पर मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ. लेवल ऑफ एक्टिविटी, अगर कोई प्रोडक्शन बिजनेस है, लेवल ऑफ एक्टिविटी कैन बी यूनिट्स. सही है ना? कैन बी लीटर्स, कैन बी केजीज. सही है ना? अच्छा अब एक सवाल है मेरा आपसे, सवाल है मेरा आपसे. एक एयरलाइन के लिए लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या है? लेवल ऑफ एक्टिविटी एक एयरलाइन के लिए, चलो मैं बता देता हूँ. एक एयरलाइन के लिए लेवल ऑफ एक्टिविटी जो है ना, वो यूनिट्स नहीं है, लीटर्स नहीं है, केजीज नहीं है. सीवीपी का मतलब है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, समझूला? नहीं नहीं लेवल ऑफ एक्टिविटी, एक यूनिट ज्यादा तो कॉस्ट ज्यादा, ये मैं कह नहीं सकता ना, वहाँ यूनिट ही नहीं होते. एयरलाइन में किस चीज का यूनिट यार? ज्यादा अच्छा जो होता है ना, वैसे सही बता रहे हो आप, वजीर वजाद ने ज्यादा अच्छा कहा, पैसेंजर्स, पैसेंजर्स, पैसेंजर्स. मैं प्रूफ करूं, एक पैसेंजर ज्यादा तो कॉस्ट ज्यादा, एक पैसेंजर कम तो कॉस्ट कम. जैसे मिसाल के तौर पर खाने की कॉस्ट है, खाने की कॉस्ट समझते हैं ना, वो जो फ्लाइट में सर्व होती है मील, मील की कॉस्ट. तो मील के बारे में क्या ख्याल है? अगर पैसेंजर ज्यादा होंगे तो मील की कॉस्ट बढ़ जाएगी, और अगर खाली फ्लाइट जा रही है, ज्यादा पैसेंजर नहीं है, आजकल कोरोना की वजह से फ्लाइट में भी डिस्टेंसिंग की जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग डिस्टेंसिंग की जा रही है, तो फिर आपको लगता है कि मील्स की कॉस्ट भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. ठीक है ना? नंबर ऑफ पैसेंजर्स विल बी योर लेवल ऑफ एक्टिविटी. नंबर ऑफ पैसेंजर्स ज्यादा तो कॉस्ट ज्यादा, नंबर ऑफ पैसेंजर्स कम तो कॉस्ट कम. आर्ट्स कौन से अफजल खान? कौन से आर्ट्स? नंबर ऑफ जहाज भी हो सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ एरोप्लेन भी हो सकते हैं, मगर ज्यादा जो कॉमन देखा गया है ना, वो ज्यादातर देखा गया नंबर ऑफ पैसेंजर्स. यूनिट्स के नीचे क्या है सर? यूनिट्स के नीचे लीटर्स, लीटर्स. जैसे कोई बिजनेस है वो वॉल्यूम में डील करता है, पेट्रोल पंप है, तो उसका लेवल ऑफ एक्टिविटी. नंबर ऑफ टिकट, अगेन टिकट किसको देते हैं? मुबशिर, पैसेंजर्स को देते हैं ना, तो एक ही बात है, पैसेंजर हो जाएगा वो, तो ज्यादा अच्छा वर्ड, मुहज़्ज़ब वर्ड पैसेंजर हो जाएगा. सही है? अच्छा हॉस्पिटल के लिए क्या होगा? हॉस्पिटल के लिए यूनिट्स, लीटर्स, नहीं नहीं कैसी बातें कर रहे हैं, केजीज बिल्कुल भी नहीं, पैसेंजर्स नहीं 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 पता है आपको. क्या बात करिए, इसका सवाल भी कराऊंगा, ये पेशेंट्स वाला मैं सवाल भी कराऊंगा, ये सवाल हमारे इस टॉपिक में होगा इंशाल्लाह. तो इसीलिए आप देखो, लेवल ऑफ एक्टिविटीज अ मोर वाइडर टर्म, ब्रॉड टर्म है ये. यूनिट्स, प्रोडक्शन, ये बड़ा वाइड टर्म है, क्योंकि दुनिया में सर्विस इंडस्ट्रीज भी होती है. सही है ना?
इसीलिए लेवल ऑफ एक्टिविटी इज अ मोर एप्रोप्रिएट टर्म इंस्टेड ऑफ लेवल ऑफ प्रोडक्शन के, लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक हो गया जी, जरा इसको नोट कर लें प्लीज इन बातों को यार। नोट कर ले। हो गया जी नोट, में आगे बढ़ जाऊंगा भैया। हाँ मैथ्स का सवाल है बिल्कुल। फ्यूल कैन बी लेवल ऑफ एक्टिविटी, एसन लगा रही। असल में इसको इस तरह समझो यार कि एक यूनिट ज्यादा तो कॉल ज्यादा, एक जो सेलिंग यूनिट्स होता है ना, जैसे हम मार्कर सेल करते हैं, नंबर ऑफ मार्कर विल बी लेवल ऑफ एक्टिविटी, ठीक है ना, नंबर ऑफ मार्कर विल बी लेवल ऑफ। फ्यूल तो यार एक क्या कहते हैं वो, एक कॉस्ट है, कॉस्ट। लेवल ऑफ एक्टिविटी कहना मुनासिब नहीं, ये कहना कि यार फ्यूल ज्यादा तो मील की कॉस्ट बढ़ जाएगी, खाने की कॉस्ट बढ़ जाएगी, थोड़ा मुनासिब नहीं लग रहा, मुनासिब नहीं लग रहा। फ्लाइंग आर्ट्स कैन बी, यस अफजल खान वन ऑफ द गुड। नंबर ऑफ एरोप्लेन कैन बी लेवल ऑफ एक्टिविटी, यस। तो देखो प्रैक्टिकली भी बातें करनी पड़ेगी हमें स्पोर्ट्स में, ताकि सवाल में ना आप इन्वॉल्व हो सको। बड़ा बेहतरीन सवाल आता था एक बर्गर फ्राइज वाला सवाल, बर्गर फ्राइज वाला सवाल मैं क्लास में कराऊंगा इंशाल्लाह, बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है। नंबर ऑफ फ्लाइट भी हो सकता है, मुझे गलत नहीं है, मगर ज्यादा जो बेहतर लगता है वो क्या लगता है, नंबर पैसेंजर। ये मैं क्लास में कराऊंगा, पैसेंजर वाला सवाल भी मैं क्लास में कराऊंगा, पूरा एयरलाइन पे सवाल है कराची टू फ्रैंकफर्ट एंड फ्रैंकफर्ट टू कराची, और एक मैं पेशेंट वाला सवाल भी कराऊंगा। ये दो बातें इंशाल्लाह हमारे कोर्स में होंगी, क्योंकि ये पेपर में आ सकती है, ये पेपर में आई नहीं कभी कैफ के, मगर आ सकती है। तो मैं आपको, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि पेपर जो कैफ है उससे ऊपर लेके जाऊँ, क्योंकि इस टॉपिक में तो वैसे ही आई कैफ सीए फाइनल पे जा रहा है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि एक अच्छे लेवल पे लेके जाएं। अच्छा जी नोट हो गया, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ भजन अब। अच्छा ये मैंने हैंडआउट ग्रुप में शेयर कर दिया, ठीक है, बाकी इंशाल्लाह किताब से रेफर हो जाएगा, किताब जल्द आपको मिल जाएगी। कुछ लोगों को बता दिया गया है किताब कहाँ से मिलेगी, तो जरा वो जो है यार एडमिन ने जो आपको एड्रेस दिया वहां से आप मंडे को किताब ले लें, ठीक है जी। और रजिस्टर्ड हो चुके हैं, उन्होंने फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली है, उनको लोकेशन शेयर कर दी गई है कहाँ से किताब मिल जाएगी, तो आप मंडे से ही ले लेना, ताकि यार आपको गड़बड़ ना हो। और कुछ लोगों ने मेरे पास से ले भी लिए किताब। खैर किस चीज को देख के लेवल ऑफ एक्टिविटी जज करते हैं, बासी बट्टी का सवाल है, वो देख ले उसका सेलिंग, उसका सेलिंग चीज क्या है, वो किस चीज को सेल करता है, ठीक है, मतलब उसकी सर्विस किस चीज या उसकी प्रोडक्ट किस चीज से रिलेटेड है। जैसे अगर यूएसबी का बिजनेस है, मेरे सामने यूएसबी रखी है तो मैं यूएसबी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, लाइन ऑफ बिजनेस देख के बात करते हैं। यूएसबी का बिजनेस लेवल ऑफ एक्टिविटी बिल्कुल सही है, यूएसबी हो जाएगा, ठीक है। बट अगर यूएसबी का बिजनेस नहीं है, मिसाल के तौर पर अब मैं एक आसान सी एग्जाम्पल लेता हूँ, वो अभी आप जाते हो ना वो बार बार शॉप, बड़ा मुहज़्ज़िब वर्ड है, मैं उर्दू मतलब उर्दू यूज करूंगा तो यार लोग नाराज हो जाएंगे, ठीक है ना। बार बार कहते हैं ना बार बार, बल्कि नहीं अब तो नया नया अच्छा वर्ड भी आ गया बार बार का, क्या आ गया नया अच्छा वर्ड, हेयर ड्रेसर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना भाई, हेयर ड्रेसर कहते हैं उसको आजकल, हम थोड़ा और प्यार से मुखातिब करते हैं हमने। नहीं नहीं उर्दू वाला मतलब यार वो थोड़ा बुरा मान जाएगा बंदा, आपने उसको अगर वो वाले उर्दू वाले नाम से बुगाड़ लिया, क्या बात है, हेयर सलून, ओ क्या बात है, सलून सलून, यस एग्जैक्टली, मॉडर्न नेम, यस एग्जैक्टली, ठीक है। पुराना नाम तो हजाम कह लें, नाई कह लें, तो परेशान नहीं बोलेगा कैसी बातें करेंगे, तो मैं आपके बाल सही नहीं काटूंगा, आप सुने हेयर ड्रेसर हैं आप, स्टाइल आप जो है स्पेशलिस्ट हैं, तो बड़ा खुश हो जाएगा, बोले आप एक्सपर्ट हैं, ओहो खैर ठीक है जी, बिल्कुल सही है हमीद कुमार। तो अब पॉइंट ये है कि उसके लिए लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या होगा बताओ, मेरा खैर मकसद ये नहीं था, मकसद कुछ और था, लेवल ऑफ एक्टिविटी बताओ, शाबाश, बिल्कुल सही है दिशान अख्तर। इसके लिए क्या है, हेयर ड्रेसर के लिए, सलून के लिए लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या है, हाँ सोचो, शाबाश, ट्वाइट से वेट करो,
हाँ बिल्कुल सही है, बेहतरीन। नंबर ऑफ हेयर कट्स, नंबर ऑफ कस्टमर्स, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही है, जबरदस्त। जितने कस्टमर ज्यादा उतनी कॉल, बेहतरीन हो गई बात, पिक कर गए तुम लोग माशाल्लाह, बेहतरीन। हेयर ड्रेसर पे सवाल बना बन जाए, पर चला आई कैप सुन ले हमारी बातें और बोले चलो बेटा मैं हेयर ड्रेसर पे सवाल बनाता हूँ। खैर बिल्कुल सही है जी, नंबर ऑफ कस्टमर्स वेरी गुड। अक्सा खत्री, मुई अहमद, रेहान, शहबाज अली, समीर, जबरदस्त बात करी जानी, बिल्कुल सही है। अच्छा अब गेम को आगे बढ़ाते हैं जी जरा। अब मेरा आपसे अच्छा ये यानी देखो सारी बातें लिखी हैं, ये सारी बातें हैंड आउट में हुई हैं। कॉस्ट तीन तरह की होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट क्या होती है, लेवल ऑफ एक्टिविटी, ठीक है, और ये फिक्स कॉस्ट क्या होती है, फिर ये टेबल बना हुआ है, सही है ना, ठीक हो गया, ब्रेक इवन चार्ट आ गया, ये बात हुई थी हमारी, ठीक है जी। जी अनिला यो क्यों खत्म हो गया, उसमें कोई लिमिटेड बात करूंगा, ब्रेक इन एनालिसिस। अब जरा अगली बात कर लेते हैं, सीबी एनालिसिस। अब असल में सही टॉपिक शुरू हो रहा है, अभी तो जनरल बातें हो रही थी। अच्छा यार इस टॉपिक में ना कुछ बातें हैं, कुछ सवालात हैं, जो पेटेंटेड सवाल आते मैंने सब लिख दिया, स्कोप लिख दिया। पेपर में क्या क्या आएगा, पेपर में आएगा कि कितना वॉल्यूम चाहिए ब्रेक इवन करने के लिए, ब्रेक इवन क्या होता है मैंने आपको बता दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस, कैलकुलेट कैसे करते हैं अभी आपकी आपसे ही बात करेंगे, अभी देखते हैं जरा। व्हाट सेल वॉल्यूम इज नेसेसरी टू अर्न अ डिजायर्ड प्रॉफिट, व्हाट प्रॉफिट कैन बी एक्सपेक्टेड ऑन सेल्स, ये सारे सवाल आते हैं जो पेपर में आते हैं, ठीक है। ये कैलकुलेशन जो हमें करनी पड़ेंगी। अजम्पशंस क्या होती है, इसमें कुछ अजम्पशन होती है कि सेलिंग प्राइस सेम रहेगी, चाहे 1 लाख यूनिट बेचें या 1000 यूनिट बेचें या 100 यूनिट बेचें, सेलिंग प्राइस सेम रहेगी। आपने ठान ली सेलिंग में 50 रुपए, तो 50 रुपए का ही बिकेगा, चाहे 1 लाख यूनिट हो या 10,000 यूनिट हो, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली सेलिंग प्राइस चेंज होती रहती है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगी, मिसाल के तौर पर अगर 30 रुपए तो 30 ही रहेगी, फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी, सेल्स मिक्स चेंज रहेगा, सेल मिक्स क्या होता है थोड़ा सा आगे जाके बात करेंगे, और यूनिट सोल्ड इक्वल्स यूनिट प्रोड्यूस, कोई स्टॉक नहीं होगा। अच्छा जरा यार आपको गेम में इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट। अच्छा यार अभी एक एग्जांपल आ गई, तीन दोस्तों की, तीन दोस्त हैं जी, तीन दोस्त हैं, क्या नाम है इनके, ABC, जरा गौर करिएगा, बड़ी बेहतरीन एग्जांपल है। तीन दोस्तों ने फारिग बैठे थे, अज्यूम कर रहे हैं कोरोना खत्म हो चुका है, ठीक है जी, और तीन दोस्तों ने मेला लगाया, एक मेले में गए और मेले में स्टॉल लगाया। मेला आई होप कभी ना कभी आपने मेला वेला देखा होगा, अब तो खैर मेले वेलों के सीजन खत्म ही हो गए बेचारे जब से प्रॉब्लम हुए। तो एक तीन दोस्त हैं जी ABC, उन्होंने एक कोल्ड ड्रिंक का स्टॉल लगाया है मेले में, एक मेला हुआ, एक फेस्टिवल हो रहा है उनके लोकेलिटी में, उनके जिसे कहते हैं घर के पास, और उन्होंने उसमें जो है कोल्ड ड्रिंक का स्टॉल लगाया। अच्छा ये बेहतरीन एग्जांपल होगी, अगर आपको ये एग्जांपल सही समझ आ गई ना तो समझो आपको ये टॉपिक समझ आ गया, इस टॉपिक की बेस बन जाएगी। तो ये बेसिक एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मैं आपसे ही सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा क्या हुआ जी, सेलिंग प्राइस 30 रुपए कोल्ड ड्रिंक की, परचेज कॉस्ट है 20 रुपए, 20 रुपए की पीछे से आती है पेप्सी वाले जो है वो 20 रुपए की दे रहे हैं, पेप्सी या पाकोला जो भी है। कॉस्ट ऑफ स्टॉल 10,000 रुपए, ठीक है। प्रॉफिट पर एक्स्ट्रा बॉटल, एक बॉटल में कितना प्रॉफिट हो रहा है, मगर ये प्योर प्रॉफिट नहीं है, ये प्योर प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि आपको पता है प्रॉफिट का मतलब होता है सेल माइनस ऑल कॉस्ट, तो सारी कॉस्ट माइनस नहीं हुई, अभी सिर्फ एक कॉस्ट माइनस हुई है, सिर्फ कौन सी, ड्रिंक की कॉस्ट। गेम समझ आ रही है, तीन दोस्तों ने मिलकर स्टॉल लगाया, सही है, और कोल्ड ड्रिंक बेचना चाह रहे हैं, बहुत बेसिक एग्जांपल है, बहुत बेसिक मैथ्स है, जितना अच्छा आपका ये सवाल होगा उतना आपके लिए आगे काम करना आसान है। और वो कह रहे हैं जी क्या करें जी, ये तीन दोस्तों ने स्टॉल लगा लिया ब्रेक क्या कहते हैं वो करके, ठीक है, GP नहीं कहना चाहिए इसके लिए, एक वर्ड होता है कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन, इसे हम कॉन्ट्रीब्यूशन कहते हैं, क्यों कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन, ये भी थोड़ी इतना में आगे जाके क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, इसकी भी लॉजिक है, हर चीज की लॉजिक है, ठीक है ना, हर चीज का कॉन्सेप्ट है। अच्छा हाउ मेनी बॉटल विल बी रिक्वायर्ड टू सोल्ड टू अचीव ब्रेक इवन, अच्छा ये इन बातों के इन ये सवाल आप खुद से पढ़ो, मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा, और मुझे इनके जवाब दे दें, ये 6 सवाल है, इन 6 सवालों के जवाब दे दें प्लीज, अपने रजिस्टर में लिखिएगा इन 6 सवालों के जवाब, जल्दी से प्लीज स्टार्ट करते हैं, टाइम स्टार्ट नाउ, जल्दी जल्दी शाबाश, इनके सवाल जवाब लिखे, मैं फिर आपसे डिस्कस करता हूँ, इन 6 के 6 के जवाब लिखे। मैथ्स लगानी है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, मैंने फॉर्मूला सिखाया ही नहीं अभी तक, मैं तो सिंपल मैथ्स बचपन में पढ़ी है ना, QT UT सबने पढ़ा,
शाबाश शुरू करें। ठीक है अमित कुमार, चलते जाओ चलते जाओ, ए से लेके जी तक सब कंप्लीट कर ले, मेरे एक साथ डिस्कस करेंगे, अभी एक साथ डिस्कस करेंगे। चलो ए से लेके जी तक ट्राई करें। ठीक है अरमीन, आगे बढ़ जाए आगे बढ़ जाए, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जितनी अच्छी एग्जांपल समझ आएगी उतना काम करना आसान है यार, उतना काम करना आसान है, जितनी अच्छी एग्जांपल समझ आएगी आप पहले खुद से करो, ताकि इस कॉन्सेप्ट का इसका कॉन्सेप्ट बन जाए हमारा। चलते जाओ, रुकना नहीं है रुकना नहीं है, और सबने जवाब देना है जो मैं पूछूंगा आंसर। मैथ्स, सिंपल मैथ्स, ए से लेकर जी तक। सही है चलते जाओ, शाबाश चलते जाओ, फिर मैं एक साथ ही अभी आप लोगों से करवाता हूँ काम, ए से लेकर जी, जी तक पहुंचना है आखिर तक। सही है चलते जाओ चलते जाओ। पूरा कर लें जी तक, फिर एक साथ बात करेंगे, एक साथ बात करेंगे, पहले जी तक पूरा कर लें, पूरा कर लें।
अच्छा जी हो गया मेरे ख्याल से, तो मैं आंसर लिख दूं। हो गया जी, आई थिंक काफी टाइम दे दिया मैंने आप लोगों को यार। हाँ जी, ये मुहीज ने आंसर दे दिया है, आराफ का आंसर आ गया है मेरे पास, 6 के 6 आंसर आ गए हैं तकरीबन। जी का आंसर भी चाहिए भाई मुझे, जी का आंसर भी दें आराफ जी का आंसर। और किसी का आया है जी का आंसर? जी में व्हाट टू फाइंड, ये यूनिट्स ही निकालने यार, यूनिट्स ही निकालने, सॉरी सेल्स रुपीज निकाल, सेल्स अमाउंट निकाल जी में, सही है सेल्स अमाउंट। चलें जी, ठीक है, ए बी सी तो आसान है यार, जी असल गेम है, जी तक पहुंचे। अच्छा अब मेरे ख्याल से यार मैं कुछ सॉल्व करना शुरू करता हूँ, ठीक है, ए बी सी डी ई, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे ना किसी वजह से दो कॉलम बनाऊंगा, किसी वजह से मैं दो कॉलम बनाऊंगा, दो कॉलम, ठीक है जी, ताकि कुछ बात करने में आसानी हो आपसे। टेढ़े मेढ़े बन रहे यार, अल्लाह स्ट्रेट नहीं बन रहा यार, चलो कोई बात नहीं, ठीक है जी। अब ये जरा गौर करिएगा, फॉलो करिएगा, देखें ये अगेन कोई रट्टा नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा, सिंपल मैथ्स, सिंपल मैथ्स। ए पार्ट आंसर्स की बात करें, वर्किंग की बात करें, ठीक है, बिल्कुल सही है। जुबैर ने भी कर लिया, जुबैर कितने से सेफ हो ये भी बताना है एफ में ना, और जी का आंसर मुझे बताएं, जी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब सारी इम्पोर्टेंट है, जाहिर सी बात है, ठीक है। ऐसे थोड़ा स्पीड पकड़ो यार, बहुत स्लो चल रहे हो। जी 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 पार्ट जी, उर्दू वाला जी नहीं, इंग्लिश वाला जी, ठीक है, गुड, आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलो सही है, मैं स्टार्ट करूँ बारी बारी, चलो अब मेरे साथ रहना तुम लोग यार। एक आंसर बता दो जी, हाउ मेनी बॉटल विल बी सोल्ड टू ब्रेक इवन, ब्रेक इवन करना है, कितनी बॉटलें बेचनी है, एक बॉटल पे कितने रुपए बच रहे हैं, 10, ठीक है, ठीक है, तो ब्रेक इवन निकालना है, कोई बात नहीं, ब्रेक इवन निकालना है, निकल जाएगा 10,000 रुपए कवर करने, और एक यूनिट से कितने रुपए कवर हो रहे हैं, 10 रुपए, 1,000 यूनिट सबका आंसर आ रहा है, आ रहे 10, 1,000 यूनिट सबका आंसर भजन, हाँ 1,000 यूनिट आ रहे सबका। अच्छा मैं प्रूफ कर दूं इसको, प्रूफ कैसे करेंगे, और प्रूफ भी कराता हूँ, प्रूफ कैसे होगा, और प्रूफ कर लेते हैं इसको, प्रूफ ऐसे होगा कि एक प्रॉफिट लॉस बना लेते हैं, एक प्रॉफिट लॉस बना लेते हैं पार्ट ए का। पार्ट ए में सेल्स कितनी होगी, सेल्स 1,000 यूनिट्स, मतलब 30,000, एग्री करते हैं, 30,000 सेल होगी। वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, एक हजार इंटू 20,000, सही है, और प्रॉफिट कितना, अच्छा फिर फिक्स कॉस्ट कितनी है, अब देखो प्रॉफिट लॉस कितना आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, नहीं कुछ भी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है, तो कंफर्म हो गया, कंफर्म हो गया कि वाकई 1,000 यूनिट हमारा क्या है, वाकई 1,000 यूनिट हमारा क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, जो 1,000 यूनिट्स हैं, आप देखें ना 1,000 यूनिट पे काम करें तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है, नहीं 0 आ रहा है, बिल्कुल सही, ब्रेक इवन, निल, सिफर, 0, ठीक है जी। अच्छा बी पार्ट का आंसर बताएं क्या आ रहा है, जी बी पार्ट का आंसर बताएं क्या आ रहा है, एट व्हाट अमाउंट ऑफ सेल, सेल्स तो आ गई 1,000 मिल जाए 30,000, सही है 30,000, यही हुआ हमारे साथ भी, अगर आप गौर करें यही हुआ ना, ये 30,000, ये देखेंगे 30,000, सही है 30,000, 30,000, चलो आगे बढ़े भाई, माशाल्लाह दैट गुड यार, अभी तक जितने लोगों ने बताया सही बताया, सही बताया, सही है, इत्तेदाल अक्सा खतरी, एब्सोल्युटली राइट। अच्छा अब यार सी पार्ट पे आ जाओ, सी पार्ट इंपॉर्टेंट है, सी पार्ट में गेम क्या है, सी पार्ट में कह रहा है प्रॉफिट कितना होगा 1,600 बोतल पे, पहले तो मुझे बताएं इनको, इनको कॉन्फिडेंस कैसे है कि 1,600 पे प्रॉफिट आएगा, ये इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं कि 1,600 पे प्रॉफिट ही है, कैसे कुछ समझाएगा मुझे, व्हाई व्हाई दे आर श्योर दैट वी मे बी वी विल बी हैविंग अ प्रॉफिट, व्हाई
लॉस नहीं आएगा, प्रॉफिट ही आएगा, उनको पता है के। हाँ सही कहा था बात रहा उमर, सही कहा, सही कहा दानी, उमर फारूक, मुगीर, जुबैर, शहीर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बेहतरीन हो गई बात। अफान अली, अवैस सुहेल, सतीश, अनिला, अफजाल खान, अफजा खतरी, एहसन लगारी, बिल्कुल सही है कि ब्रेक इवन को ब्रीच कर चुका है, ब्रेक इवन को क्रॉस कर चुका है, ब्रेक इवन से आगे है, ब्रेक इवन से मोर है, बेहतरीन हो गई बात। फिक्स कॉस्ट कवर हो चुकी है, क्या बात कर दी गुलाम मुस्तफा ने, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो कितने यूनिट्स, अच्छा अब इसका प्रॉफिट निकालें, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा शाबाश। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल माइनस कॉस्ट। पीएनएल बना लूं मैं, पीएनएल बना लूं सी पार्ट के लिए, आओ पीएनएल बना लेते हैं, आओ पीएनएल बना लेते हैं। पीएनएल कैसे बनेगा जी, पीएनएल बनेगा ऐसे कि सेल है कितनी 1600 इंटू 30, वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 1600 इंटू 20, तो कितना हो गया ये 48,000, कितना हो गया ये 32,000, सबका भजन, एवरीवन इज गेटिंग 6,000 फॉर पार्ट सी, ओके बेस्ट हो गया, सही है सतीश, शाबाश, बेस्ट हो गया, मुगीज, पीशा, मुबशिर अतीक, शहबाज अली, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अगेन मैंने को फॉर्मूले नहीं बता रहा, फॉर्मूले नहीं, अभी सिंपल लॉजिक, फॉर्मूले पे आते हैं, आते हैं। तो प्रॉफिट, अच्छा एक और तरीका है प्रॉफिट निकालने का, एक और तरीका देख लो, एक और तरीका प्रॉफिट निकालने का ये है कि एक यूनिट पे 10 रुपए बच रहे हैं, एक यूनिट पे 10 रुपए बच रहे हैं, और कितने यूनिट है 1600 यूनिट है, 1600 यूनिट है ना, एक यूनिट पे 10 रुपए बच रहे हैं, इसमें एक, हाँ इसमें एक कॉस्ट माइनस नहीं हुई, कौन सी, इसमें एक कॉस्ट माइनस नहीं हुई, कौन सी, 10 रुपए में वेरिएबल कॉस्ट माइनस हुई भी है, एक कॉस्ट माइनस नहीं हुई, कौन सी। तो यार जरा मैं इस तरीके से करने की कोशिश करता हूँ, देखो आंसर क्या आ रहा है, आ रहे 6,000, हाँ 6,000 आ रहे, कुछ बात समझ आई कि एक यूनिट पे 10 रुपए बच रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई कर लिया किससे, 1600 यूनिट से। तो मगर मसला ये है कि अभी प्रॉफिट निकालना है, आपने इस तरीके से किया, बिल्कुल सही किया उमेर, बिल्कुल सही किया, अगर आपने इस तरीके से, किसी तरीका का मसला नहीं है अभी, देखो अभी मैं फ्लेक्सिबल हूँ, अभी मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा, तरीके का मसला ही नहीं, मैं कह रहा हूँ अभी समझो चीज़ों को, अप्लाई करना, देखो प्रॉफिट इक्वेशन से भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है वैसे भी, प्रॉफिट इक्वेशन से भी कर सकते हैं। अच्छा अब जरा आगे बढ़ते हैं, अच्छा एक और तरीका भी है, एक और तरीका क्या है मुझे बताओ, कितने यूनिट सेफ हो, कितने यूनिट सेफ हो, हाँ कितने यूनिट सेफ हो आप, 600 600, और एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है, रिटर्न पर यूनिट कितना है, मल्टीप्लाई करें, देखें इससे भी डायरेक्ट आंसर आ रहा है, देख रहे हैं किसी ने किया इस तरीके से, एनीवन, कि अभी मैं बड़ा फ्लेक्सिबल हूँ यार, अभी मुझे पता है वो मसला नहीं है, बशीर अतीक ने किया है, राव कबीर ने किया, हरमीन ने किया, ओके ठीक है, अफान अली, शिराज जुनेजू ने भी ऐसे किया, 600 नहीं, अनिला हम कह रहे हैं कि 1600 यूनिट आपने बेचे ना, तो 1000 ब्रेक इवन था, याद है 1000 ब्रेक इवन हमने निकाला था, तो कितने यूनिट सेफ है, सेफ सेल नहीं है, सेफ है ये, सेफ, सेफ्टी वाला सेफ, सही है ना, चलो ठीक हो गया। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं भजन, यहाँ तक आंसर सही है भाई सबके, को मसला तो नहीं है, पूछ लो अगर किसी का गलत आ रहा है तो, आसान था, मेला समझ आ रहा है, मेला ठेला, डी पार्ट, डी पार्ट, तो डी पार्ट में क्या गेम है, इफ ईच एबीसी वांट्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 3,000 हाउ मेनी बोटल विल बी सोल्ड, इसका आंसर बताओ शाबाश। हाँ हाँ बिल्कुल उमर फारूक, इसका आंसर बताएं क्या आ रहा है, 1900 आ रहा है, 900 आ रहा है, या 1300 आ रहा है, तीन आंसर है इसके एक्सपेक्टेड, डी के, या तो 1900 है, या 900 है, या 1300 है, उमर फारूक 900 गलत है यार, चंदा इतिहास 900 गलत है, 900 इज नॉट द राइट वन यार, अनिला 700 तो बिल्कुल गलत है, क्या आपने कोई बहुत बड़ा स्लीप मिस्टेक कर दिया, ब्लेंडर कर दिया, फरमान 300 बिल्कुल गलत है, 1300 हमीद कुमार गलत है, 1300 गलत है, मुगीस 1300 गलत है, नूरुद्दीन 1300 गलत है, बाकी लोग 1900 बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं, बेहतरीन हो गई बात,
अवैध सुहेल, उमेर, समीर, आदर्श बात्रा, गुलाम मुस्तफ़ा, हरमीन, अवैध सुहेल, अक्सा खत्री, मुबशर अतीक और एहसन लगारी, हरमीन, वेरी गुड, आप लोगों का सही है, 1900 बिल्कुल सही है। नहीं बासिर बट्टी 900 गलत है चंदा, गलत है चंदा। नहीं ये रेहान फॉर्मूले थोड़ी लगाने हैं अभी चंदा, अभी तो सिंपल मैथ लगानी है यार। देखो एक बात को समझना, समझना अब ये देखो यहाँ से गेम शुरू हो रही है, अब असल टॉपिक शुरू हो रहा है समझो यहाँ से। नहीं टोटल प्रॉफिट 3 लाख नहीं है चंदा, यहाँ पे रीडिंग मिस्टेक कर दी है तुमने, रीडिंग मिस्टेक कर दी है। देखो यहाँ कवर क्या करना है, अब पहले बोझ क्या था, पहले बोझ, पहले पार्ट में बोझ था सिर्फ फिक्स कॉस्ट। हाँ बिल्कुल सही अमित कुमार, पहले पार्ट में बोझ था फिक्स कॉस्ट। हाँ पहले पार्ट में सिर्फ फिक्स कॉस्ट कवर करनी थी, अभी क्या कवर करना है। अब दोस्त कह रहा है यार इतनी फौरी करें, इतनी गर्मी में मेला लगाएं और कुछ मिले भी नहीं, घर पे जाएंगे तो ऐसी खाली आ जाए तो मजा नहीं आएगा। तो हर बंदा कह रहा है कम से कम 3000 रुपए का नफा तो होना चाहिए यार, इतना पूरा दिन लगेगा हमारा, इतनी खुआरी होगी, इतनी गर्मी में बैठे हुए हम यार मेले वेले में, तो यार 3000 रुपए तो हमें मिलने चाहिए ना। तो अब मुझे बताओ कि पहला टारगेट हमेशा होता है फिक्स कॉस्ट, हमेशा किसी भी बिजनेस का पहला टारगेट होता है फिक्स कॉस्ट। अभी हालात खराब है, बहुत सारे लोगों के तो पहला काम उनका ये है बस किसी तरीके से फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए, ठीक है, गोदाम का रेंट और ये सब चीजें ना। अच्छा दूसरा टारगेट क्या है, प्रॉफिट। अच्छा टारगेट प्रॉफिट कितना है जरा गौर करिएगा, टारगेट प्रॉफिट 3000 नहीं है यार, 3000 तो एक पार्टनर का है, ठीक है, फिक्स कॉस्ट तो पहले कवर करनी पड़ेगी ना चंदा। हाँ कोई मसला नहीं, ठीक है, जिन लोगों का 900 आंसर आ रहा था वो गलती क्या करें कि वो इस बात को इग्नोर करें कि फिक्स कॉस्ट जो है वो कवर नहीं करनी, फिक्स कॉस्ट तो कवर करनी है भाई, जब तक फिक्स कॉस्ट कवर नहीं होगी, फिक्स कॉस्ट का बोझ नहीं उतरेगा, मैं प्रॉफिट कैसे निकालूंगा। और मैं आपको सबूत भी दूंगा, जो कैलकुलेशन स्क्रीन पे होगी सबका सबूत दिया जाएगा यार, क्योंकि पहली क्लास है सीवीपी की और ये आगे तक सीवीपी, सीवीपी बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाना है मुझे, कैफ लेवल से भी आगे लेके जाना है, सीए फाइनल लेवल पे लेके जाना है आपको, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि आज से ही ना हम इस पर बड़ी तगड़ी बात कर लें, ताकि आगे जब सीए फाइनल लेवल पे जाएं तो आपको कोई एम्बेरसमेंट ना हो, पेपर में आपको ये सवाल आसान लगे और इंशाल्लाह पेपर में इस बार 90% चांस है, 99% चांस है कि टॉपिक आएगा। खैर चलो तो कितना हो गया, क्या बात हो रही थी, हाँ तो 19000 हमें टारगेट कवर करना है, सही है, और एक यूनिट से कितना रिटर्न अर्न करते हैं, रिटर्न पर यूनिट कितना है? जिन्होंने 1900 बताया था बेहतरीन बताया था, बेहतरीन जबरदस्त लचपश काम किया आपने। अच्छा इसका शॉर्टकट बता दूं, मैंने बहुत लंबे तरीके से किया, डायरेक्ट शॉर्टकट, फिक्स कॉस्ट पहला टारगेट प्लस टारगेट प्रॉफिट 3000 × 3, ठीक है जी, 1900 यूनिट आंसर है, 1900 यूनिट्स, क्लियर है। अच्छा इसका सबूत देते हैं आपको, इसका सबूत देता हूं, आओ इसका सबूत देते हैं, कैसे 1900 यूनिट आंसर है, आओ इसका सबूत ले लो। सबूत ये है कि यार 1900 यूनिट पे सेल कितनी आ जाएगी, 1900 यूनिट पे सेल तो हमारी हो जाएगी कितनी, 57000, और 1900 यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी हमारी, 38000। तो 1900 यूनिट पे फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहेगी, वो तो सेम ही रहती है, ठीक है, ईच नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में, ईच लिखा हुआ है, लिखाते हैं आपको। तो कितना प्रॉफिट आ रहा है, 9000 आ रहा है, डिवाइड बाई 3 कर दें तो हर बंदे के हिस्से में कितना आ जाएगा, ठीक है, प्रूफ हो गया, ये प्रॉफिट लॉस बना रहा हूँ तो भी आंसर क्या आ रहा है, 9000, यानी कि 3000 एक बंदे के हिस्से में। अच्छा ईच कहाँ लिखा है जी, ये देखें, ये लिखा हुआ ईच, हर बंदे को अपना नफा चाहिए ना, हर बंदा अपने घर लेके जाना चाहता है 3000 रुपए, 3000 रुपए, तो 3000 रुपए जब वो लेके चला जाएगा तब जाके कुछ सूरत हाल बनेगी। गेम समझ आ गई भजन, क्लियर है बात हमें, चलो जी अब जरा आ जाओ अगले पार्ट पे, ये बेसिक बन रहे समझो इनडायरेक्टली, तुम्हारे जहन में उतार रहा हूँ चीजें, अभी तुम लोगों को समझ आएगा, तुम बोलोगे यार जबरदस्त हो गया आपको। अच्छा एक और बात आपसे कर लूं मैं, ई पार्ट 2000 यूनिट फॉर जी, देखते हैं इब्राहिम आदिल अभी आते हैं, जी पे आते हैं, जी पे आते हैं, सुकून से आएंगे, पहले ई कर लेते हैं यार, ई पे आ जाओ जरा। अच्छा ई में कहानी क्या है, बस जगह खत्म होती जा रही है, कोई बात नहीं, ई में कहानी क्या है भाई, ई में कहानी है ऑड अमाउंट ऑफ सेल इज रिक्वायर्ड इफ ईच पार्टनर वांट्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 3500 ईच। अब यार ये गलत नहीं करना, देखो
ये गलत नहीं करना, चंदा गलत नहीं करना। देखो यार ये गलत नहीं होना चाहिए। देखो ये अब जिनका पहला पार्ट गलत हुआ पिछला वाला मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस बार कोई गलत नहीं करेगा। फरमान देखो वापस ट्राई कर लो यार, देखो गलती नहीं करना, गलती नहीं करना प्लीज। मेरी इल्तजा है, मेरी रिक्वेस्ट है। शिराज जुने जो अफान अली हुजैफा, आप लोग के आंसर मुझे सही लग रहे हैं। मुबशिर अतीक, आरिफ इमरान, मुगीज, अक्सा खत्री, आप लोग के आंसर मुझे सही लग रहे हैं। सही है राव कबीर, आराफ सही है, अवैस विल नहीं, चंदा मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा कर दिया। नहीं यूनिट्स में चाहिए उमेर, चंदा यूनिट्स में चाहिए। देखो अमाउंट लिखा हुआ है। देखो जी तुम लोग पेपर में ना बारीक बातें हैं, ये पूरे कोर्स में तुम लोगों के साथ रहूंगा इंशाल्लाह। अमाउंट ऑफ सेल्स, अमाउंट अमाउंट रुपीज, समझे लड़के, अमाउंट सही है, यूनिट्स नहीं अमाउंट। ये तुम लोग यूनिट बता रहे हो चंदे, इसको अमाउंट में कन्वर्ट करो ना, इसको अमाउंट में कन्वर्ट करो। हाँ सही है, बिल्कुल सही तरह से अफजाल खान, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पीछो अमाउंट में कन्वर्ट करो इसको, ठीक है। गुलाम मुस्तफा उमेर सही है, सेल्स अमाउंट में, सेल्स अमाउंट में, व्हाट अमाउंट ऑफ सेल्स ना, पीछो सेल्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तुमने कॉन्ट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई कर दिया चंदा, ठीक है। अमित कुमार चलो आ जाओ, आओ आओ डायरेक्ट बताते हैं तुम्हें, डायरेक्ट बता दें, डायरेक्ट ई का आंसर दे रहा हूं ना मैं आपको। फिक्स कॉस्ट 10,000, टारगेट प्रॉफिट है 3,500 × 3। कितना हो गया? सही है 20,500 यूनिट्स, नहीं 20,500 नहीं 2050 यूनिट्स, सॉरी आई थिंक 2050। और सेल्स कितनी हो जाएगी, सेल कितनी हो जाएगी, तो टारगेट सेल हो जाएगी, सेल सेल्स निकालिए ना, सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है जी। ई पार्ट समझ आ गया, क्लियर है। यूनिट्स जिन्होंने निकाली हैं उनको रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्यों रखते, क्यों नहीं रखते सेलिंग प्राइस, इसलिए नहीं रखते बासिर भट्टी, देखो इसका प्रूफ सबूत भी मैंने कहां से दिया। अगर सेलिंग प्राइस से डिवाइड करेंगे ना तो सेल यूनिट्स आ जाएंगे, ये तो बिल्कुल पहले से बासिर, बिल्कुल पहले पहले से देखो जरा कि 10,000 कॉस्ट कवर करनी है और एक यूनिट का रिटर्न कितना है 10 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट वरना इग्नोर हो जाएगी ना, वेरिएबल कॉस्ट देनी तो है, फ्री में तो नहीं मिलेगी चीज ना, इसलिए बासिर भट्टी हमें हमेशा जो है ना वो रिटर्न से डिवाइड करना पड़ेगा। एक यूनिट से मैं कितना कमा रहा हूँ, एक यूनिट से मैं 10 रुपए कमा रहा हूँ, तो जो रिटर्न है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस से डिवाइड करेंगे तो गलत हो जाएगा यार, तो और वो प्रूफ भी नहीं हो ना, मैं तो आपको यहाँ प्रूफ भी कर रहा हूँ बार बार। देखो 1,000 यूनिट से हमने काम किया, प्रूफ हो गया, हमने 1,600 यूनिट पे काम किया, प्रूफ हो गया, हमने 1,900 यूनिट पे काम किया, प्रूफ हो गया, प्रूफ भी मिल रहा है मेरे साथ कि हाँ यार हम जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। अच्छा जी ई हो गया, एफ पे आ जाओ जरा बताओ। शाबाश, एफ का आंसर तो बड़ा आसान है यार, एफ का आंसर तो आसान है। एफ का आंसर क्या है, यस और नो, एफ का आंसर मैं यही लिख लेता हूँ। अच्छा मैं आंसर लिखता जाऊँ यहाँ पे, ए का आंसर क्या है 1,000, बी का आंसर कितना है 30,000, सी का आंसर है 6,000 सॉरी। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो, कमेंट्स में देख रहा हूँ तुम लोगों के कमेंट्स। फिर 1,900, फिर 61,500, एफ का आंसर है यस By house, how much units? 500 units. 500 units. बिल्कुल सही है, business safe है जी हमारा, जबरदस्त बात कर दी, 500 units से safe है, सिर्फ units में आंसर देना, अब इसको रुपीज रुपीज में करने की जरूरत नहीं है यार, सही ना, रुपी वगैरह में करने की जरूरत ना ही है, ना ही है, ना ही है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जी जी पार्ट में क्या करेंगे, जी की रिक्वायरमेंट है वही सेल्स यूनिट्स निकालने। चलो जी मैं तुम लोगों को टास्क दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ थोड़ा और सोच लो जी के बारे में और मुझे बता दो सेल यूनिट्स कितने आएंगे।
यूनिट बता दो, यूनिट अमाउंट नहीं यूनिट बता दो। चलो चौबीस सौ, 2000, 2200, 2400, 2000, 2400, 2000। ये मैं कमेंट पढ़ा हूँ आप लोगों के, सही आंसर मुझे नहीं पता क्या है। जुबैर ने कहा 2200, आराफ 2400, शहबाज अली 2000, रेहान 2200, मैथ से मैं मुही अहमद 2000, पीशो 2000, निशान 2000, उमर फारूक 2400, हरमीन 2400, अनीला 2400। मुकाबला सख्त है भाई, मैं आ जाता हूँ गेम में, अब मुझे गेम में आना पड़ेगा। बासित भट्टी 2000, आई थिंक अब गेम में आना पड़ेगा मुझे। हमीद कुमार 2400, ओहो अफजाल खान 2800, चंदा ये बहुत ज्यादा हो गया, देखो कम करो बेटा। गुलाम मुस्तफा 2400, अच्छा चलो 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 अब गेम में आ रहा हूँ, गेम में आ रहा हूँ। एक बात मुझे बताएं, आपने बैनर लगा दिया पेप्सी कंपनी का, ठीक है जी, हाँ बिल्कुल पेप्सी कंपनी का बैनर लगा लिया, तो पेप्सी कंपनी आपको क्या दे रही है इसके बदले? आप उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो ना, आप उसकी प्रमोशन कर रहे हो, तो वो आपको 2000 रुपये दे रही है स्पॉन्सरशिप के। चाहिए क्या लगता है स्पॉन्सरशिप के जो 2000 रुपये मिल रहे हैं, ये क्या है, इनकम है एक्सपेंस है? हाँ इनकम है तो एक्सपेंस है, क्या लगता है आपको? ये तो इनकम है भाई, ये तो कॉस्ट को कम कर देगा। सही है साइम इरशाद, बिल्कुल सही है अरमीन, सही है ना, बिल्कुल सही है दानी। अगर इनकम है तो मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी, मेरा बर्डन कम हो जाएगा, मेरा बोझ कम हो जाएगा, बोझ कम हो जाएगा। प्रॉफिट चाहिए हर बंदे को 4000। अच्छा अब जरा गौर करना, जी पार्ट की बात करो, जी पार्ट की बात करो, एफ तो बड़ा आसान था, एफ तो बड़ा आसान था, एफ में तुमने कहा सेफ्टी यूनिट्स निकालने थे, तो सेफ्टी यूनिट हमने निकाली है 1500 माइनस 1000, 500 यूनिट्स। जी में टारगेट्स क्या क्या है जरा गौर करिएगा, टारगेट्स, पहला टारगेट क्या होता है किसी भी बिजनेस का, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा बिल्कुल प्राइमरी टारगेट, बिल्कुल पहला बिजनेस शुरू कर दिया पहला टारगेट खड़ा हो गया कौन सा, नंबर वन। या ये जिंदगी भर याद रखना है, देखो नहीं 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 ब्रेक इवन तो उस चीज का नाम है, मगर पहली चीज जो कवर करने की होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट ना, फिक्स कॉस्ट। ये पहला टारगेट रहेगा जिंदगी भर, कोई बिजनेस भी शुरू करोगे ना घर पे या कोई भी प्रैक्टिकली, फिक्स कॉस्ट कवर करनी होगी। मुहीर अहमद बिल्कुल सही है, समीउल्ला नजम, हरमीन, अक्षर कतरी, उमैर सही है, समीर सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो आप यार। अच्छा अब सेकंड, एक तो फिक्स कॉस्ट होती है, सेकंड टारगेट क्या है, टारगेट प्रॉफिट, तो उसके बाद प्रॉफिट की बातें होती है। तो फिक्स कॉस्ट कवर किए बगैर कोई प्रॉफिट की बातें करेगा, हम कहेंगे यार बेवकूफ है, बेवकूफ, ठीक है ना, बेवकूफ है, कैसी बातें कर रहे हैं, नहीं नहीं यार अभी पहले फिक्स कॉस्ट तो कवर होने दें आप यार, प्रॉफिट कितना चाहिए यार बंदे को, 4000 चाहिए, रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है इन लोगों की, पार्टनर्स की, पार्टनर्स को क्या हो गया, इनको चाहिए भाई पहले काम पे तवज्जो दें, प्रॉफिट कमाने की बातें पहले से करें, चलो अच्छी बात है। 4000 × 3 इनका प्रॉफिट कितना है, 12000 इनका प्रॉफिट, टोटल टारगेट कितना हो गया, नहीं 22000 तो हो गया, मगर 22000 में से कुछ बेनिफिट है, कुछ रिलीफ मिल जाएगा, कुछ बेनिफिट मिल जाएगा, कुछ रीइंबर्स हो जाएगा, कुछ वापस मिल जाएगा, कुछ रिसीव हो जाएगा, क्या कितनी, सही है भाई, कुछ बात समझ आती है? तो अब कैसे काम होगा, अभी हो जाएगा टारगेट कितना हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट पहला टारगेट, टारगेट प्रॉफिट दूसरा टारगेट, डिवाइड बाय दो हजार यूनिट, जिनका आया था उनका सही आया था, किसी का आया था 2000 यूनिट्स आंसर, हरमीन का आया हुआ है, इतराज का आया हुआ है, और मुबशिर अतीक ने का आया हुआ है, साइम, शहबाज अली, अक्षा खत्री, मोही अहमद, तलहा, बासित भट्टी, सतीश, इब्राहिम आदिल, पीशो, उमैर अहमद, तो चार दोस्त नहीं है, अल्लाह उमैर अहमद क्या हो गया, रीडिंग तगड़ी करनी है चंदा, ये पेपर में मसला हो जाता है, ठीक है। शिराज बिल्कुल सही है, एक ही बात है, अनिला ऐसे भी कर सकते हैं, समीउल्ला नजम बिल्कुल सही है,
2000 लेस क्यों किया वलीद बजार, इसका इसकी लॉजिक मैं आपको वापस देता हूँ। ठीक है, बोझ सिक्स कॉर्ड एक बोझ है, मानते हैं सबसे पहला बोझ। टारगेट प्रॉफिट एक और बोझ है बिजनेस पे, ये पार्टनर को कमा के देने, ओनर्स को कमा के देने। अच्छा एक और काम भी करते हैं, ये अनिला की एडवाइस अच्छी लगी मुझे, आई थिंक सबसे शेयर कर लेते हैं। नहीं शिराज अभी मैं एक और बात करने जा रहा हूँ, एक और काम भी कर सकते हैं, जरा गौर करिएगा। मैं ये भी तो कर सकता हूँ कि जो फिक्स कॉस्ट थी स्टॉल की कॉस्ट थी, स्टॉल की कॉस्ट में 10 की जगह 8 कर दूं, नहीं समझे। मैं पेप्सी वाले को बोलूंगा यार मेरे जो 2000 रुपए है ना वो मुझे ना दो, वो मेरे स्टॉल वाले को दे दो, वो मेरे स्टॉल वाले को दे दो यार, एक काम करो स्टॉल वाले को दे दो, मैं स्टॉल वाले को फिर मजीद 8000 दे दूंगा। नहीं समझे बात को कि मैं, हाँ ये भी कर सकते हैं ना यार कि हम 10000 को ना लिखे, हम 10 की जगह 8 कर दें, क्योंकि 2000 पेप्सी वाले को बोले यार वो सामने बंदा बैठा हुआ है ना वो नजर आ रहा दूर, हमने वो कह रहे हैं नजर आ रहा है, बोले यार इसको दे दो ये बंदा है जिसने मेला लगाया है, तो आप इसको 2000 रुपये दे दो, बोलो हमारा नाम लिखवा दो, बोलो यार ये उस पार्टी के 2000 रुपये, सही है ना। हाँ ऑब्वियस ये बात तो वही होगी यार, तो आप अगर ये 8000 करते हो तो फिर क्या हो जाएगा, फिर 8000 प्लस हर पार्टनर को 4000 रुपये कमाने हैं तो 12000 रुपये, 4000 × 3, फिर माइनस माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिवाइड बाई 10 तो भी आंसर कितना आएगा। मगर मैं बताऊं मैंने आज ये बात क्यों की आपसे, ये हर बात के पीछे एक लॉजिक है, ये आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, और पूरा कोर्स में जब हम इंशाल्लाह सीए फाइनल पे चले आएंगे बिल्कुल दे देते हैं पूरी एग्जांपल। मैं बिल्कुल एग्जांपल देता हूँ, ये जो बात है ना ये माइनस वाली बात, ये पेपर में बहुत आई है, पेपर में आई कैप में 2-3 दफा आई हुई आपके कैफ, और सीए फाइनल में भी 2-3 दफा आई हुई है, तो समझो ये मैंने एग्जाम्पल जानबूझ के बनाई है, हालांकि कॉन्सेप्ट तो पुराना ही है, मगर ये जो माइनस है ना ऑलरेडी अर्न वाला कॉन्सेप्ट है, ऑलरेडी अर्न समझते हैं। एक और एग्जांपल तो बड़ी बेहतरीन एग्जांपल जहन में आई, आपने वो देखा है सुपरमार्केट, देखी कोई सुपरमार्केट का नाम बताएं, चलो कोई वो तो खैर बहुत सारी आ जाएंगी मार्केट में, इम्तियाज की एग्जांपल, चलो एक ऐसे ही इम्तियाज की एग्जांपल लेते हैं, सही है इम्तियाज की पब्लिसिटी करो मैं ऐसी फ्री में, वॉलमार्ट ओहो इंटरनेशनल आ गया भाई, कैश एंड कैरी कॉस्टको सही आगाज, क्या बात है आप लोग माशाल्लाह बड़ा घूमते फिरते रहते लगता है सुपर मार्केट में। अब मिसाल के तौर पे मैं आपकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, इम्तियाज ने एक जगह रेंट पे लिए और उसका रेंट है मिसाल के तौर पे 10 लाख रुपए, कितना रेंट है 10 लाख में महीना, इतने ही रेंट होते हैं 10-15 लाख 20 लाख 25 लाख ना, छोटी छोटी बातें इन लोगों की, उन्होंने 10 लाख रुपए महीने के रेंट पे एक जगह ले ली। अच्छा मगर उसने बाहर क्या किया, बाहर उसने उसको बिठा दिया, वो क्या नाम है कोई अच्छा सा ब्रांड बताए खाने पीने का यार, कौन है यार, मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि उसने बेक पार्लर KFC केक एंड बेक सबवे, हाँ चलो सबवे की एग्जांपल लेते हैं, डेनकिन डोनट्स, हाँ उसने क्या किया कि उसने ना वहीं पे बाहर ना बाहर रोड पे अपने फुटपाथ पे ना सबवे वालों को आउटलेट दे दिया, कोई छोटा सा जगह दे दी, केबिन दे दिया, सबवे वाले को बोला यार यहाँ तुम अपने सैंडविचेस बेचो दबा के, लोग आएंगे बेचारे भूख से परेशान होंगे तो तुम्हारे सैंडविच खा लेंगे, ये OPTP, हाँ OPTP की तो प्रैक्टिकल एग्जांपल है, तो मैंने देखा भी है बर्गर किंग और OPTP वगैरह के तो होते ही भी है, बिल्कुल सही। चाचा जी भी आ गए माशाल्लाह, हाँ चाचा जी बिल्कुल चेन है, ठीक है माशाल्लाह बड़े खाने पीने के शौकीन है आप लोग माशाल्लाह, मुझे आइडिया है। खैर तो सबवे में आपने या लेट से सबवे कह लो या OPTP कह लो, उसको उसने ना सबरेंड कर दी, बोला भाई ये फुटपाथ तुम्हारा हो गया, ठीक है बस बस यार हम इसको नॉर्मल रखते हैं, आंटी बर्गर ये कहाँ है भाई, ये कैसी कैसी बातें करो तुम लोग साइम इरशाद। खैर तो ये सबवे में से मिसाल के तौर पे आपने सबवे को गजिया, लेट्स थोड़ा सा इसको मुहज्जब अंदाज में ले लेते हैं। खैर तो सबवे वाले को बोला भाई ये तुम फुटपाथ पे ये जगह लगाओ और ये अपने सैंडविचेस बेचो, ठीक है ना, ये जो तुम्हारे बड़े बड़े सैंडविचेस हैं लोग खा जाएंगे, ठीक है क्यों, क्योंकि वो बेचारे आएंगे रश में आधा पौना घंटा उनको लगना पड़ता है लाइनों में लंबी लंबी, तो आपके सैंडविच बिक जाएंगे बर्गर बिक जाएंगे, तो सबवे वाले बड़ा खुश हो गया, बोला थैंक यू अंकल इम्तियाज। अंकल इम्तियाज ने बोला बेटा ऐसा नहीं है, आपको इसका ना रेंट देना पड़ेगा 1.5 लाख रुपये, कितना रेंट मांग रहे हैं वो 1.5 लाख रुपये मांग रहे हैं, तो अब मुझे बताओ अगर 1.5 लाख रुपए रेंट मांग रहे हैं, ऐसा तुम्हारे लिए मैंने एग्जांपल बनाई है खास तौर पे, ठीक है अगर 1.5 लाख रुपए जो है वो क्या नाम है रेंट मांग रहे हैं सबवे वाले से, तो नेट कॉस्ट कितनी बड़ी है इम्तियाज को, नहीं तो नेट जो रेंट पड़ा, क्योंकि जब वो 10 लाख रुपए रेंट पे करने जाएगा तो 1.5 लाख रुपए तो सबवे वाले से ले चुका होगा, अब बात समझ लो, तो प्रैक्टिकली ये बहुत होता है यार, बहुत होता है, जितना फिक्स कॉस्ट होती है क्या मैं कह रहा हूँ, इस तरह ही फिक्स इनकम है, फिक्स इनकम है,
अब वो रेंट पे करने जाएगा तो उसकी जेब से कितना जा रहा है इम्तियाज साहब की, इम्तियाज साहब कितना रेंट पे कर रहे हैं, इम्तियाज को सिर्फ रेंट पे करना पड़ेगा 8.5 लाख रुपए, 8.5 लाख रुपए। अब बात समझ रहे हो? तो ये कुछ प्रैक्टिकल बातें हैं, ये मैंने कहा ना बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑलरेडी अर्न वाला। ऑलरेडी अर्न समझते हैं कि बस उसने सब्बे वाले ने अपना सेटअप लगाया और 1.5 लाख रुपए इसके चालू, 1.5 लाख रुपए पे काम शुरू, 1.5 लाख रुपए अब आपके लगने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही है रियान, वेरी गुड। शेल्फिंग के पैसे देती हैं, सब सही कह रहे हो, वो भी रेंट से लेस होगा, बिल्कुल सही है, बेहतरीन हो गई बात के शेल्फिंग के पैसे देती हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल ठीक है जी। ओपनिंग स्टॉक हम एज्यूम करते हैं इस टॉपिक में स्टॉक ही नहीं, इस टॉपिक में एज्यूम किया जाता है ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, जितना प्रोड्यूस होगा सब सेल हो जाएगा, जितना प्रोड्यूस होगा उतना सेल हो जाएगा। अच्छा यार इसको नोट करो जरा प्लीज, ये नोट कर लिया तुम लोगों ने, मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है, कनेक्ट कराना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना वो अब होने जा रही है। और जैसे मैंने कहा आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स पे बात हो रही है, बेसिक्स से बात हो रही है। बिल्कुल सही है दानी, एब्सोल्युटली राइट, इनकम है कॉस्ट से लेस होना चाहिए, इनकम है तो कॉस्ट से लेस होना चाहिए, ये भी कर सकते हो और डायरेक्ट कॉस्ट में से डायरेक्ट भी लेस करा सकते हो, मेरे नजदीक ज्यादा बेहतर अप्रोच ये है ये वाली, क्योंकि आगे मैं आईकैप के सवाल कराऊंगा आपको इंशाल्लाह सीए फाइनल के भी और कैश के भी, तो उसमें आपको ये बात नजर आएगी अप्लाई होती। यहां तक बात क्लियर है भाईजान, आगे बढ़ जाए। हाँ इंशाल्लाह मुबशिर, जोर की नमाज में गोल मजीना पढ़ूंगा इंशाल्लाह। हो गया जी नोट में, आगे बढ़ जाऊंगा आपसे, अभी मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है, सवाल से कनेक्ट कराना है, फिर मैं आपको कुछ टास्क दूंगा, फिर एक सवाल है बीएफडी के नाम से, ठीक है मुबशिर मुझे आप मैसेज कर देना यार, एसएमएस कर देना, क्योंकि शायद मैं कॉल मेरा बंद किया हुआ होता है मैंने। अच्छा अब जरा यार मेरे ख्याल से टाइम आ गया है कनेक्ट करने का चीजों को, वेरी इंपॉर्टेंट वन। अच्छा अगर आप गौर करें, ये पूरा सवाल सीवी एनालिसिस का था, ब्रेक इवन प्रॉफिट और लॉस, टारगेट प्रॉफिट, ये सारी की सारी बातें समझें सीवी एनालिसिस की है। आपने ऑफिशियली सीवी एनालिसिस मेरे साथ शुरू कर दिया, ठीक है ना, ऑफिशियली बगैर फॉर्मूले के सिंपल मैथ से अपनी कॉमन सेंस लगा के हमने 7 सवाल कर लिए, कोई एक फॉर्मूला मैंने आपको नहीं सिखाया और अल्हम्दुलिल्लाह 7 के 7 सवाल हमने सॉल्व कर लिए, मेजॉरिटी का आंसर आपका सही था, एक आध हल्की फुल्की ट्विकिंग मैंने आपको बता दी, ठीक है जी। अलग से कैंसिल कर दें, हाँ बिल्कुल सही है, अलग से माइनस कर दें, इसीलिए मैंने कहा मुई अहमद ये तरीका ज्यादा बेहतर है, मुझे पर्सनली ये तरीका ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इसमें अलग से माइनस हो रहा है, ये ज्यादा अच्छा तरीका है, ये तरीका जो है वो सही है, मैं मना नहीं करूंगा, अभी मैं चाह रहा हूँ कि अभी जहन में बैठे चीजें, बट आई थिंक दिस इज द मोर बेटर वन, ठीक है। स्नैप लेना चाहोगे ले लो भाई समीउल्ला, बाकी तो आसान था, ये पार्ट इंटरेस्टिंग था, इसकी स्नैप ले लो सही तरीके से, ठीक है। अच्छा मैं क्या बात करता हूँ, हाँ मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ यार, ये टॉपिक जो है ना, ये टॉपिक मैंने जैसे कहा मैथ से हो जाएगा, सिंपल मैथ से पूरा टॉपिक निकल जाएगा, पूरा का पूरा टॉपिक, ठीक है ना, पूरा का पूरा टॉपिक ये सिंपल मैथ से निकल जाएगा, सिंपल मैथ से, ठीक है। मगर फिर भी मैं पर्सनली चाहूंगा कि यार इस फॉर्मूले के इस टॉपिक के कुछ फॉर्मूले आपके जहन में, फॉर्मूले के 2 फायदे, पहला फायदा टाइम बचेगा, दूसरा फायदा चीजें ऑर्गेनाइज रहेंगी, एग्जामिनर को समझने में आसानी होगी, पेपर में कैजुअल अप्रोच नहीं होगी, सिस्टमेटिक अप्रोच होगी। आप लोगों ने मुझसे पहली क्लास में कहा था जी हमें बहुत बड़ा चैलेंज फेस होता है कॉस्टिंग में, कि कॉस्टिंग का कोई फॉर्मेट नहीं है, जो लोग पोस्ट रिजल्ट में उन्होंने एक बात की जो कि बहुत वैलिड बात थी, कि वाकई इसमें फॉर्मेट तो नहीं है, सही है ना, तो ये इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि फॉर्मेट का मसला आता है इसमें, मगर सवाल तो जहां पे कहीं फॉर्मेटिंग चीजें ऑर्गेनाइज होना बंद हो सकती है वहां पे हम बिल्कुल ऑर्गेनाइज करेंगे। तो अब मैं जरा इसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ फॉर्मूले जो कि शायद आपने कभी जिंदगी में देखे होंगे उनकी अब आपको लॉजिक भी समझ आ जाएगी। अच्छा क्या है जी फॉर्मूले, जरा स्टार्ट करते हैं बात को, ब्रेक इवन, या ब्रेक इवन का फॉर्मूला अगर मैं बनाना चाहूँ, अच्छा मैं फॉर्मूले देख रहा हूँ ग्रीन से, अगर मैं ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो आपको क्या लग रहा है ब्रेक इवन पॉइंट का क्या फॉर्मूला होगा,
अगर आप इन फिगर्स को देखो और फॉर्मूला बनाने की कोशिश करो, ऐसे ही मैथमेटिक्स फॉर्मूले के मैंने आपको दो फायदे बताए, थोड़ा टाइम सेविंग हो जाएगा पेपर में, और दूसरा फायदा क्या बताया मैंने आपको कि आपको एग्जामिनर को समझाने में आसानी होगी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन रहा है बताओगे जरा? शाबाश, कॉस्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू तो बन रहा है, मगर ये वर्किंग को देख के बताएं क्या फॉर्मूला बन रहा है इस वर्किंग को देख के। अगर मैं इस वर्किंग से फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूं, अच्छा नॉर्मली उल्टी अप्रोच होती है, नॉर्मली लोग फॉर्मूला पहले रट्टा लगाते हैं फिर काम करते हैं, मैं आपको उल्टा करा रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ पहले आप यार जरा काम कर लो फिर फॉर्मूला बनाओ, ताकि आपको फॉर्मूले की लॉजिक बताओ, फॉर्मूले की गेम बताओ। मैंने कहा बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, बिल्कुल सही कहा हरमेन ने, बिल्कुल सही कहा हुजैफा ने, मुहीज ने, मुही अहमद ने, अच्छा मुही अहमद ठीक है, मगर मैं इसको इससे निकालो ना, मुही अहमद इससे, ये जो कैलकुलेशन की है ये कैलकुलेशन आपको किस फॉर्मूले की तरफ लेके जा रही है, मेरा सवाल ये। अगर मैं एक दीवार भी बना दूं, हाँ बेस्ट हो गया, बेस्ट हो गया, सेल डिवाइड बाय प्रॉफिट नहीं जुबैर चंदा, सेल नहीं थी, ये क्या थी 10,000, इस 10,000 का क्या नाम था, 10,000 क्या थी, हाँ बेहतरीन, प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं, अच्छा इसका मैंने क्या नाम बताया, ये 10 रुपए क्या है, ये 10 रुपए क्या है, अच्छा मैं फॉर्मूले भी साथ साथ लिखता जा रहा हूँ, मैं फॉर्मूले भी साथ साथ लिखता जा रहा हूँ, इस टॉपिक के कुछ फॉर्मूले, ठीक है ना, इस टॉपिक के कुछ फॉर्मूले, फॉर्मूले की फुल प्लूरल क्या होती है, फॉर्मूली होती है, तो एक फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, जिसे हम सीएम कहते हैं अपनी अपनी लैंग्वेज में, प्यार से इसको सीएम कहा जाता है, जी क्या फॉर्मूला होगा सीएम पर यूनिट, हाँ सीएम किसे कहते हैं, क्या बात हुई थी, सेलिंग प्राइस, इसको सीएम क्यों कहा जाता है, इस पर थोड़ी आगे जाके बात हो जाएगी, आज तो नहीं शायद, मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास में बात हो जाएगी। अच्छा जिन लोगों का प्रोसेस कॉस्टिंग रहता था ना, जिन लोगों का प्रोसेस कॉस्टिंग करना है, पोस्ट रिजल्ट वाले आजाद, पोस्ट रिजल्ट वाले आजाद कल मुझे ज्वाइन कर सकते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग के लिए, कल हमारी ये सीबी की क्लास नहीं होगी, सीबी क्लास अब इंशाल्लाह मंडे को होगी, जो ये प्रोसेस कॉस्टिंग की क्लास मैंने आपसे वादा किया था, प्रोसेस कॉस्टिंग में आपको कुछ लाइव करा दूंगा पोस्ट रिजल्ट वालों को, तो कल मैं आपको टाइम बता दूंगा, कल का टाइम थोड़ा डिफरेंट होगा, वैसे हमारा टाइम होता है 3:30 से ऑनवर्ड, 3:30 से 5:45 होता है वैसे संडे को, वैसे जो कि आगे जाके और बढ़ जाएगा टाइम, मगर इस संडे को कल थोड़ी मसरूफियत आ गई है, तो कल टाइम थोड़ा चेंज होगा, कल टाइम शायद 6 बजे से होगा, 6 बजे से होगा इंशाल्लाह, 6 यस प्रोसेस कॉस्टिंग बेसिक्स में इंशाल्लाह शुरू कराऊंगा कल, जो लोग पोस्ट रिजल्ट वाले हज़रात थे वो देख सकते हैं, अभी खैर इसको कंप्लीट करते हैं, मगर मैंने बीच में ऐसी मेरे जहन में बात आई तो मैंने कहा बता दूंगा आपको कि कल तकरीबन 6 बजे से हम स्टार्ट करेंगे, 6:15 के दरमियान से प्रोसेस कॉस्टिंग बेसिक्स का काम। अच्छा चलो अभी जरा ये कंप्लीट करते हैं, तो पहला फॉर्मूला हो गया कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, अगर मैं फिगर के साथ कनेक्ट करूं बात को, तो फिगर थी हमारी 30 रुपए सेलिंग प्राइस थी, 20 रुपए वेरिएबल कॉस्ट थी, 10 रुपए हमारा सीएम आ रहा था, 10 रुपए हमारा सीएम आ रहा था, ये पहला फॉर्मूला था। अच्छा एक और चीज होती है सीएम परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज का, कभी आपने प्रॉफिट निकाला हो जिंदगी में, तो कैसे निकालते हैं प्रॉफिट परसेंटेज, जीपी मार्जिन मार्कअप निकालते हैं तो क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं प्रॉफिट को सेल से या कॉस्ट से, अगर मार्जिन होता है तो किससे डिवाइड करते हैं, मार्जिन जिन ओला जिन नहीं मार्जिन है, बिल्कुल सही है साइम इरशाद, अवैस सुहेल, उमर फारूक, बिल्कुल सही है उमर फारूक, सतीश, हरमीन, बिल्कुल सही है, बेहतरीन हो गई बात, बेहतरीन हो गई बात, मुबशर दानी, बिल्कुल सही है, ठीक हो गया जुबैर आराफ, हरमीन ठीक है, और अगर मार्कअप होता है तो कॉस्ट डिवाइड करते हैं। अच्छा ये सीएम रेशियो है, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन को डिवाइड करेंगे सेल्स और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, जो हमने आज क्लास में सवाल किया है इसमें अगर मैं सीएम रेशियो निकालना चाहूँ तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन है 10 रुपये, साथ साथ वर्किंग भी करें ताकि चीज़ें क्लियर होती हैं, सेलिंग प्राइस 30 रुपये कितना आ रहा है, 33.33, ठीक है जी 33.33333333, क्या बात है, ठीक है 33.33 कर दिया उसको, अच्छा अब
जरा ब्रेक इवन के फॉर्मूले पे आ जाओ। ब्रेक इवन का क्या फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं? ब्रेक इवन का क्या फॉर्मूला आ रहा है? ब्रेक इवन का फॉर्मूला आ रहा है, हाँ बताओ शाबाश। नहीं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट से क्यों होगा वलीद बजाज? ये 10 से डिवाइड हुआ था ना। हाँ, सेलिंग प्राइस पर यूनिट से होगा वहां पे सीएम रेशियो के लिए। यहाँ क्या फॉर्मूला होगा ब्रेक इवन का? शाबाश बताओ, क्या बात है, बिल्कुल सही है। निम्रता, उमेर, गुलाम मुस्तफा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दीजिए कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से, ठीक है ना। फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दीजिए कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। तो ये फॉर्मूला बन गया तीसरा वाला फॉर्मूला। अगेन मैंने आपको कहा आपकी जिंदगी आसान करने के लिए है, आप बगैर फॉर्मूले के पूरा टॉपिक निकाल सकते हैं और मैं आपको शुरू के सवाल बगैर फॉर्मूले के कराऊंगा, मैं दोनों से कराऊंगा, फॉर्मूले से भी और मैथमेटिक्स से भी। क्लियर है बात हमें? अच्छा, अब अगला फॉर्मूला ब्रेक इवन निकालने रुपीज में, कैसे निकालेंगे ब्रेक इवन निकालने रुपीज में, कैसे निकालेंगे? क्या किया था आपने? दो चीजों को मल्टीप्लाई करा दिया था, किसको? ब्रेक इवन रुपीज में कैसे निकाल था? 30,000 रुपए कैसे आया था आपका? क्या किया था आपने? वर्किंग हुई है, सब नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल, सीएम अपॉन सेलिंग प्राइस होगा। अगर सीएम पर यूनिट है, ये मैं सही कर देता हूँ, ये किसी को कंफ्यूजन हो रहा है ये देख लो वापस। ठीक है, अब सही है। अच्छा, क्या बात हो रही थी? हाँ, मैं जरा वापस उस पर आऊंगा। क्या फॉर्मूला होगा ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज का? ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स, यही किया था ब्रेक इवन यूनिट्स जो आया था उसको मल्टीप्लाई करा दिया था किससे? सेलिंग प्राइस। बिल्कुल सही है फरमान, निशान अख्तर बिल्कुल सही है, गुलाम मुस्तफा एब्सोल्युटली राइट, निम्रता, अनिला बिल्कुल सही है, तला हसन नहीं कर सकते हैं अवैस, मगर मुश्किल क्यों करें जिंदगी? जिंदगी आसान रखो यार, जिंदगी मुश्किल करके क्या करेंगे यार, जिंदगी आसान करो। नहीं देखो ना, यहाँ पे कितना आसान काम किया था, मगर तुम जो कह रहे हो गलत नहीं कह रहे हो, मगर थोड़ा मुश्किल हो जाए। अच्छा खैर, आगे बढ़ते हैं। हाँ, दूसरा तरीका बता रहा हूँ मैं वलीद, बिल्कुल बता रहा हूँ वलीद। बिल्कुल सही है, दूसरा तरीका एक और भी है भजन, एक और तरीका ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का, वो ये जरा गौर करिएगा। ये तरीका मैंने अभी आपको नहीं सिखाया, अब सिखा रहा हूं। एक और तरीका ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का कि फिक्स कॉस्ट को आप डिवाइड करा दीजिए सीएम रेशियो से, चेक करें कि ऐसा हो रहा नहीं हो रहा, चेक करें ऐसा, आए चेक करते हैं। फिक्स कॉस्ट कितनी है सवाल में? एग्री करते हैं, 10,000 रुपए। और सीएम रेशियो कितना है सवाल में? सीएम रेशियो अभी निकालता आपने, सीएम रेशियो मेरे साथ 33.33% निकालता ये, ठीक है। तो जरा यार इसको डिवाइड करें 0.33 से, 0.33333333, जितने ज्यादा 33 रखेंगे उतना अच्छा आंसर आएगा। देखें क्या आ रहा है,
देखिए यहाँ क्या आ रहा है आंसर, 0.33 ना, 33.33% ला 0.33 आ रहा है, 30,000 मैच हो रहा है आंसर, देख रहे कुछ बात क्लियर हुई, कुछ बात समझ आई कि हम फिक्स कॉस्ट को भी अगर सीएम रेशियो से डिवाइड कराएंगे तो भी आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा, सेम ही आएगा। लॉजिक बता देते हैं, कोई मसला नहीं, लॉजिक बता देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। अगर पहले ये समझ लें कि ऐसा हो रहा है, पहले मैथमेटिक्स समझ लें, तो फॉर्मूला नंबर 4 क्या बना, फिक्स कॉस्ट को अच्छा रुपीज में निकालना है, तो रुपीज में निकालना है दो तरीके, क्या बात हुई, रुपीज में अगर ब्रेक इवन निकालना है दो तरीके बता दें, पहले आसान तरीका बता दें, मुश्किल तरीका बता दें। आसान तरीका क्या था भाईजान बताएं, शाबाश, अगर ब्रेक इवन रुपीज में निकालना है तो दो चीजें चाहिए, बताओ क्या क्या, शाबाश, हाँ ठीक है, ब्रेक इवन इन रुपीज वी नीड टू हैव व्हाट, क्या क्या होना चाहिए हमारे पास, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, वेरी गुड। और दूसरा तरीका क्या बताया मैंने आपको, एक तरीका और ही बता दिया, एक तरीका और ही बता दिया, वो क्या, क्या फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दीजिए। अच्छा अब मैं एक पते की बात हूँ, पेपर अप्रोच, पेपर अप्रोच, मेरा दिल भी चाहता है मैं ये फॉर्मूला यूज करूँ, मेरा भी दिल भी चाहता है मैं सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करूँ, मगर पेपर में कुछ जगहों में आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, अभी से बता रहा हूँ, कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें आपको ये फॉर्मूला लाजमी यूज करना पड़ेगा, लाजमी, अगेन अगेन मैंने कहा फॉर्मूले से काम आसान हो जाएगा, बगैर फॉर्मूले के मैं आपको सब चीजें करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह शुरू के लेवल पर, ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ बात को कि ब्रेक इवन इन रुपीज निकालने के लिए ज्यादा अच्छा फॉर्मूला तो ये लग रहा है मुझे, ज्यादा बेहतर फॉर्मूला, मगर पेपर में कुछ सवाल ऐसे बनेंगे जहां पे आपको इस अप्रोच से भी काम करना पड़ सकता है, काम करना पड़ सकता है, ठीक है जी। अच्छा और तो जरा यार इन चार फॉर्मूलों को नोट करो, मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ, जल्दी से नोट करो, मैं बात को आगे बढ़ाता नोट करें, शाबाश, फिर बात आगे बढ़ाते हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं इब्राहिम आदिल, कुछ हालात ऐसे बनेंगे वो आगे जाके मैं क्लियर करूंगा, सब चीज पे इंशाल्लाह बात होगी, कुछ हालात ऐसे बनेंगे जहाँ पे मजबूरन आपको पता चलेगा कि ये फॉर्मूला ऊपर वाला इस्तेमाल नहीं होगा, आपको नीचे वाले पे आना पड़ेगा। अच्छा बात को आगे बढ़ाते हैं, अच्छा आप जरा प्रॉफिट, यार प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, बचपन से सुनते आ रहे हो, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे वैसे देखना जरा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट का फॉर्मूला वैसे क्या होता है, वैसे वैसे प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, एग्री कर रहे हो, हाँ और बताओ, शाबाश, बचपन से सुनते आ रहे हो ना, सेल माइनस कॉस्ट, क्या मैं ऐसे कहता हूँ, टोटल सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, क्या मैं ऐसे कह सकता,
टोटल कॉस्ट माइनस टोटल सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, तोड़ दें, एक्सपेंड कर दें, जैसे मैथ्स में होता है ना। हाँ जी, अच्छा अब जरा और करिएगा, ये चीज क्या है, व्हाट इज दिस, इसको हम क्या कहेंगे? हाँ, इसका क्या नाम है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, टोटल सीएम। तो क्या मैं ये फॉर्मूला बना सकता हूँ, जरा देखिएगा फाइनली, प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल सीएम माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। देखिए कुछ बात समझ आती है क्या? मैं ऐसे कह देते हैं, कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि वेरिएबल कॉस्ट माइनस हो चुकी है, कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि वेरिएबल कॉस्ट माइनस हो चुकी है। अब कौन सी कॉस्ट रह गई? सिर्फ एक कॉस्ट रह गई, कौन सी? फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सिर्फ एक कॉस्ट रह गई, कौन सी? फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला हमारा फॉर्मूला नंबर 5 बन गया कि अगर आपको प्रॉफिट निकालना है आज के बाद, तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम बड़े हो गए, अब हम बचपन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे सेल माइनस कॉस्ट का। अगेन फॉर्मूला के बगैर, मैंने आपको बताया ना आगे के सवालों में मैं आपको फॉर्मूले के बगैर भी कराऊंगा, दो दो अप्रोचेस से लेके चलूंगा चीजों को इंशाल्लाह आगे। मगर आई थिंक फॉर्मूला एक लेवल पे मॉडरेट स्टूडेंट्स के लिए, मीडियम लेवल स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक इट्स बेटर फॉर्मूले की लॉजिक समझ ले, ताकि जब आप फॉर्मूला लगा रहे हो तो आपको पता हो कि इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बना? टोटल सीएम माइनस फिक्स कॉस्ट, टोटल सीएम माइनस फिक्सड कॉस्ट, फिक्सड कॉस्ट। अच्छा एक फॉर्मूला और भी है प्रॉफिट का, बताएं क्या, जो आपने ये यूज किया था ये वाला। यहां से फॉर्मूला क्या निकल रहा है, यहां से क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है प्रॉफिट का? एक और तरीकेकार भी जिससे प्रॉफिट आ सकता है, कैसे जरा सोचे, एक और तरीका प्रॉफिट का कैसे निकलेगा? यार ये आप प्रॉफिट सेफ थे, हाँ नहीं नहीं वो तो सही है, बिल्कुल सही है मुवीज, ये तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि प्रॉफिट का एक तरीका ये भी है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी ले, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो कि कितने यूनिट्स था, 600 यूनिट्स था, याद करें 600 यूनिट्स था मार्जिन सेफ्टी, हाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये देखें, ये रहा कि 1600 यूनिट पे पूछ रहा था ना कि आप कितना प्रॉफिट अर्न करोगे, तो मैंने आपसे कहा था आप सेफ हो, आपने कहा था बिल्कुल सेफ है, 1600 और 1000 का डिफरेंस 600 सेफ है, 600 सेफ है। अच्छा मार्जिन सेफ्टी क्या होती है, प्रॉफिट का फॉर्मूला? अच्छा अभी एक एक काम करते हैं, पहले जरा मार्जिन सेफ्टी लिख लेते हैं, इनटू सीएम पर यूनिट, इनटू सीएम पर यूनिट। ठीक है जी, तो एक और फॉर्मूला ऐड होने जा रहा है। अच्छा एक और फॉर्मूला ऐड करने से पहले आई थिंक हमें काम करना चाहिए, बट चलो खैर कोई को बात नहीं, एक सवाल है मार्जिन सेफ्टी क्या है, व्हाट इज मार्जिन सेफ्टी, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एनीवन कोई ट्राई करना चाहेगा? खत्म हो रहा है फॉर्मूले, बस मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला बताएं क्या बनेगा, एनीवन? ये इसने पूछा था ना कि आप सेफ हो या नहीं हो, हाँ वेरी गुड, क्या बात कर दी, जबरदस्त मुबशर अतीक, सही कहा ये समीर ने, दानी ने, हरमीन ने, अवैध सुहेल, नहीं माई सेफ्टी एहतजाज बिल्कुल सही है, वेरी गुड। आदर्श बात रहा, मैं ये सिर्फ यूनिट्स ही चाह रहा हूँ, वेरी गुड गुलाम मुस्तफा, पीशो बिल्कुल सही है, टारगेट नहीं सेल्स ना, सेल माइनस ब्रेक इवन बिल्कुल सही है, सतीश आरा बिल्कुल सही है, यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन बिल्कुल सही है, अक्षरा कदरी एक तरीके से। तो फॉर्मूला हो जाएगा माई सेफ्टी का, सेल्स ठीक है ना। अच्छा माइनस सेफ्टी कभी कभार चाहिए होती है रुपीज में, तो फॉर्मूला हो जाएगा सेल्स इन रुपीज, और कभी कभार माइनस सेफ्टी किसमें चाहिए होती है, कभी कभार परसेंटेज में, अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिवाइड किससे करूं, डिवाइड किससे करूं,
परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है, तो डिवाइड होगा ये, किसी ना किसी तो डिवाइड करना पड़ेगा। पेपर का परसेंटेज निकालते ना किससे डिवाइड करते हैं, टोटल मार्क्स से करते हैं या मार्क्स ऑब्टेन से करते हैं? जब परसेंटेज निकालते हैं तो टोटल मार्क्स से करते हैं ना, डिवाइड बाई टोटल सेल्स। अगेन सवाल हमारा इंतजार कर रहे हैं आगे, मगर पहले इन कॉन्सेप्ट को खत्म करना जरूरी है ना, जरूरी है। ठीक है जी, तो ये हो गया फॉर्मूला नंबर 6 जो हमने यहाँ पे देखा था। कहाँ देखा था हमने ये, कहीं आगे देखा था हमने, कहाँ सेफ है ये रहा, ई में भी देखा था ना सेफ कितना है। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ रहा है पूरे टॉपिक का, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो पेपर में एक दफा नहीं, मार्जिन सेफ्टी का कॉन्सेप्ट बता देते हैं, बिल्कुल वजी वजह बताते हैं यार। देखो वो मैंने ग्राफ बनाया था ना, मैं ग्राफ वापस बताता हूँ ताकि बात समझ आ जाए। हमने ये ग्राफ देखा था, कौन सा ग्राफ, ये ग्राफ देखें, ब्रेक इवन पे आप, ये रहा ब्रेक इवन, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। मेरा सवाल है क्या आप इस पॉइंट पे सेफ हैं, यस और नो? इस पॉइंट एक्स पे आप सेफ हैं, यस और नो? क्या लग रहा है आपको? हाँ वही वलीद, आपका क्या क्या ख्याल है वलीद बजाज, आर वी सेफ एट दिस पॉइंट? यस यस, कितने दे सेफ हैं, कितने दे? अगर ये 500 है और ये 700 है तो आप कितने दे सेफ हो? पूरे 700 सेफ नहीं हो, 700 से पहले डेंजर जोन है, रेड जोन है, सही है ना? जो हम सेफ है वो कितने से है सिर्फ? इस 200 को हम कहते हैं, इस 200 का एक नाम है, इस 200 को हम कहते हैं मार्जिन लाइन ऑफ सेफ्टी। ठीक है ना, ब्रेक इवन एक्सीड कर जाए, बिल्कुल सही का वाली वजह, बिल्कुल सही, एरिया ऑफ प्रॉफिट में फॉल करेगा जबरदस्त, मगर मार्जिन सेफ्टी जो होगा वो यूनिट्स में होगा, ये रुपीज में होगा, वो सेल्स की फॉर्म में होगा, वो सेल्स की फॉर्म में होगा। प्रॉफिट इज नॉट अ मार्जिन सेफ्टी, प्रॉफिट इज अ इंडिकेटर, प्रॉफिट एक निशानी है कि मार्जिन सेफ्टी आएगा, मगर प्रॉफिट अलग चीज है, मार्जिन सेफ्टी अलग चीज है। मार्जिन सेफ्टी सेल के टर्म में कैलकुलेट होती है, सेल के टर्म। ठीक हो गया, तो क्या बात हो रही थी, ये फॉर्मूला लिखे हुए हमारे पास हैंडआउट में यार, ठीक है, और ये एजेंडे भी लिखे हैं, ये पूरा टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, मरहलावार चीजों को बात करेंगे, मरहलावार चीजों पर बात करेंगे, पूरा एजेंडा भी लिखा है, आप देख लीजिएगा, मैंने ग्रुप पे हैंडआउट शेयर किया हुआ आज का। अच्छा, तो फॉर्मूला क्या था, मार्जिन सेफ्टी, हाँ तो मार्जिन सेफ्टी समझ आ गया, ठीक है। अच्छा, आप सबसे मेन फॉर्मूले पे बात करने जा रहे हैं, सबसे मेन फॉर्मूले पे जो इस टॉपिक की जान है फॉर्मूला, ठीक है। अगेन मैंने कहा फॉर्मूला, मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, और मैं आखिर तक बात करता रहूंगा कि हर सवाल बगैर फॉर्मूले के हो सकता है, हर सवाल सिंपल मैथ से हो सकता है, और मैं कराऊंगा भी शुरू के सवालों में, ठीक है। फॉर्मूला हमारी आसानी के लिए, ताकि पेपर में टाइम बच जाए, क्योंकि लोगों को ये शिकायत आ रही है पेपर में टाइम बहुत कम पड़ रहा है, पेपर लेंथी आ रहा है, सही है जी। अच्छा, अब जरा अगली चीज पर आ जाए यार, ये आपको टारगेट दिया गया था, टारगेट, टारगेट समझते ना, आपको टारगेट दिया गया था, बस खत्म करते हैं थोड़ा, बस ये कंप्लीट कर ले चीजों को। हाँ, टारगेट दिया गया था, कितना टारगेट दिया गया था, हर बंदे को कितना प्रॉफिट कमा के देना है, हर बंदे को कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए, 3,000 रुपए। तो आपने क्या किया था, जब आपको टारगेट दिया गया था तो आपने कहा था पहला टारगेट हमेशा होता है जिंदगी में फिक्स कॉस्ट, और दूसरा टारगेट है प्रॉफिट। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, जरा इसको देखें, इस वर्किंग को देखें, फॉर्मूला बताएं क्या बनेगा टारगेट सेल्स का। जी क्या बनेगा फॉर्मूला, वेरी गुड अरमीन, ट्राई करो बाकी लोग, यार बाकी लोग ट्राई करो, फॉर्मूला क्या बन रहा है स्क्रीन पे देखो, ये वर्किंग हुई हुई है ना, एक और दो इन दोनों को ऐड किया और डिवाइड कर दिया किसी चीज से, तो इसका फॉर्मूला क्या बनने जा रहा है, जरा गौर तो करें, ट्राई तो करें। हाँ सही है, फिक्स कॉस्ट, प्लस, हाँ बिल्कुल सही है, बेहतरीन हो गई बात बासिर भट्टी, बिल्कुल सही है, फिक्स कॉस्ट पहला टारगेट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सीएम पर यूनिट, सही है, डिवाइड बाय सीएम पर यूनिट,
सीएम पर यूनिट बेहतरीन हो गई बात, बेहतरीन हो गई बात। फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सीएम पर यूनिट, ठीक है ना। आओ ये फॉर्मूला लिख भी लेते हैं। ठीक है जी, हाँ इनकम माइनस कर सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहा है, वेरी नाइस पॉइंट, मगर अभी नहीं, आगे जाके बात करेंगे इस पर, आगे जाके बात करेंगे जब सवाल हमें बोलेगा। ठीक हो गया जी, जैसे हमने क्या किया था, जैसे हमने किया भी था ना, वर्किंग करके दिखा भी देता हूँ आपको। फिक्स कॉस्ट 10,000 थी, टारगेट प्रॉफिट 9,000 था, 3,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 10, उन्नीस सौ यूनिट आंसर आ गया था। ठीक है जी, चले। अच्छा एक और बात, अगर आप गौर करें देखिएगा प्लीज, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है, यहां तक नोट करें बातों को। नोट करें यहां तक, बात करते हैं। हाँ जी, तो क्या बात हो रही थी, हाँ इसका एक फॉर्मूला और भी है। तो टारगेट सेल्स निकालना था, ये हमने फॉर्मूला देख लिया जी। फिक्स कॉस्ट पहला टारगेट, टारगेट प्रॉफिट दूसरा टारगेट, डिवाइड बाय सीएम पर यूनिट, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। अच्छा अब एक और बात, अगर ये आंसर आपको रुपीज में चाहिए हो, टारगेट सेल रुपीज में चाहिए हो तो क्या करोगे आप, अगर टारगेट सेल रुपीज में चाहिए तो क्या करेंगे आप, हाँ टारगेट सेल रुपीज में चाहिए बताएं, शाबाश, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी लोगों का क्या ख्याल है, न्यूमिरेटर में बताता हूं मैं, समझ लो, बिल्कुल सही है, सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें, क्या बात कर दी आपने, जबरदस्त जबरदस्त। टारगेट सेल इन यूनिट्स, टारगेट सेल इन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। अच्छा एक मैं मजे की बात बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो बताता हूँ, एक बड़े मजेदार बात, अगर आप गौर करें, मैंने हाईलाइट भी किया था फिर अजान की वजह से मैं रुक गया था यार, अगर आप गौर करें ये दोनों फॉर्मूले सेम है, चेक करें, ये दोनों फॉर्मूले सेम है, चेक करें, गौर करें, ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा, हाँ नहीं तो बदान हो चुकी जी, क्या आप गौर करें, ये दोनों फॉर्मूले सेम नहीं है, जरा चेक करें, दोनों फॉर्मूले में सिर्फ फर्क बता दें क्या है, ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है, ब्रेक इवन का मतलब होता है कि मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, जीरो चाहिए, तो इसीलिए आप देखें यहाँ पे प्लस के आगे फिक्स कॉस्ट के आगे कुछ भी नहीं है, समझो नील है, समझ रहे हो भाई, ब्रेक इवन में तो प्रॉफिट नहीं चाहिए ना, अगर आप देखें यहाँ भी अगर प्रॉफिट चाहिए होता
तो फिर मैं ऐड कर देता, फिर तो सेम हो जाता। अब बात समझ रहे? या अगर मैं मिसाल के तौर पर फॉर्मूले से ये प्रॉफिट हटा दूं, मैं कहूँ नहीं यार प्रॉफिट मुझे नहीं चाहिए, प्रॉफिट नहीं चाहिए मुझे, से ब्रेक इवन करा दो। अगर मैं ये फिक्स कॉस्ट हटा दूं और प्रॉफिट हटा दूं, तो क्या कह सकते हो दोनों फॉर्मूले सेम हो जाएंगे? चेक करें ये दोनों फॉर्मूले सेम हो जाएंगे। अब बात समझ रहे? तो अगेन ये फॉर्मूले आपस में रिश्तेदार भी, लिंक भी है। तो खैर अभी तो ऐसा नहीं था, मगर मैं एक बात कर रहा हूँ, दोनों फॉर्मूले सेम है। तो बिल्कुल सीधा ना, जब ये दोनों फॉर्मूले सेम है तो ये भी सेम है। तो टारगेट सेल्स इन रुपीस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टारगेट सेल्स इन रुपीस का फॉर्मूला दो होंगे। एक फॉर्मूला तो बड़ा आसान सा है, जो हमने बहुत बार यूज भी किया। क्या? टारगेट सेल्स इन रुपीस का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट, सॉरी एक तो वो है ब्रेक इवन पॉइंट, टारगेट सेल निकालो यूनिट्स में। अगेन आगे जिंदगी आसान हो जाएगी, इन सारी बातों को आज इतना देख लोगे तो आगे टॉपिक आसान है इंशाल्लाह, आगे मसला नहीं। ठीक है, एंड लास्ट इसी से रिलेटेड, इनफैक्ट बल्कि सेकंड लास्ट मैं कहूंगा, टारगेट से रुपीज में निकालनी है तो एक और तरीका ये भी है, बिल्कुल सही है जो मुबशिर अतीक ने कहा कि फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सीएम रेशियो। सही है ना? जैसे वो कौन सा सवाल था, जैसे ये कौन सा सवाल था, ये ई था ना, ई ई का ऐसे भी कर सकते हो कि फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सीएम रेशियो। फिक्स कॉस्ट पता है? हाँ जी पता है फिक्स कॉस्ट। टारगेट प्रॉफिट पता है? जी बिल्कुल पता है जी नाम। और सीएस रेशियो पता है? सीएम रेशियो हमने निकाल लिया था 0.333। तो मैं रीकैलकुलेट कर रहा हूँ, देखें आंसर सेम आना चाहिए। देखें आ रहा है सेम, चेक करें। वही सवाल जो हमने मेले वाला किया उसमें एक और तरीके से चेक करें। पहले हमने ये किया था जो सबने किया था सही, माशाल्लाह बिल्कुल सही किया था सबने माशाल्लाह, कि जो यूनिट है उसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करा दिया। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि जरा ये चेक करो, 3500 × 3 प्लस 10,000 डिवाइड बाय 0.333333। तो देखें आंसर आया है, वही आ रहा है 61,500। चेक करो टैली हो रहा है भजन, कोई मुश्किल बात तो नहीं है, कोई अजीब बात तो नहीं है, कोई नई बात तो नहीं है। हाँ भाई देख रहे हैं, वही फिक्स कॉस्ट वही टारगेट प्रॉफिट, बट डिवाइड किससे करना है भाई? सीएम पर यूनिट से नहीं करना। अब जो डिवाइड करना है वो किससे करना है? सीएम रेशियो। टेंशन ना ले, ये सारी बातें भी हम बहुत जीरो लेवल से सवालों के थ्रू देखेंगे तो चीजें आहिस्ता 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 चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है बात हमें? इज दिस फाइन? तो इफ ये फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सीएम रेशियो रेशियो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और फॉर्मूला आपको बताते हैं जाने से पहले, एक और फॉर्मूला बताते हैं जाने से पहले, ठीक है जी? और फिर बस एक छोटी सी बात करके हम क्लास एंड कर देंगे। ये एक बात मुझे बताएं, एक बात मुझे बताएं, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? क्या सीखा प्रॉफिट का फॉर्मूला? प्रॉफिट का, प्रॉफिट का, अरे प्रॉफिट का, हाँ सेल माइनस कॉस्ट। नहीं हमने आज क्या सीखा? मैं वापस एक दो बार बस एंड में एक बात करके, तो हमने क्या क्या बात की थी, मुझे जरा कंप्लीट कराओ बात को। तो हमने क्या बात की थी बड़ी इंपॉर्टेंट, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट चाहिए। और सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट किसे कहते हैं? क्या बात हुई थी इन दोनों को? ये पूरा टॉपिक इस फॉर्मूले से हो सकता है, ये पूरा का पूरा टॉपिक इस फॉर्मूले से हो सकता है, मैं बता रहा हूं, इस एक अप्रोच से हो सकता है, इस एक इक्वेशन से हो सकता है, पूरा टॉपिक गारंटी।
चाहे जैसा सवाल लिया मेरे सामने। अब बात समझ रहे, पूरा का पूरा टॉपिक सिर्फ एक इससे हो जाएगा, ये ऊपर जितनी बातें की मैंने आपसे इन सबको साइड में कर दें, आप सिर्फ इसको फॉलो कर लें, हो जाएगा। मगर मैंने आपको क्या बताया, मैं वापस बता रहा हूँ कि यार आइडिया है, इतना फीडबैक लिया हुआ है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2014 से पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह सीए फाइनल का, मुझे पता है पेपर में टाइम ही नहीं होता सोचने का, तो मजबूरन क्या करना पड़ता है, मजबूरन फिर हमें यूज करना पड़ता है डिफरेंट फॉर्मूले। मगर मैं गारंटीड बता रहा हूँ कि अगर किसी का ये सबक भी पक्का हो गया ना, ये पूरा टॉपिक निकाल देगा आराम से, मसला नहीं। थोड़ा सोचना पड़ेगा, मैथ्स इसकी स्ट्रांग है ठीक है, मुनासिब भी है ना, मगर फिर भी मेरी ख्वाहिश होगी कि यार थोड़ा सा आप फॉर्मूले को समझ लो, क्या के पेपर में टाइम बच जाए और एग्जामिनर को भी समझने में आसानी हो कि हमने क्या रूट फॉलो किया, क्या रूट फॉलो किया। अच्छा एक और बात यार, इसमें जरा कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन को सब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूँ मैं, क्या बन जाएगा फॉर्मूला अगर मैं इसको सब्जेक्ट बनाना चाहूँ, फॉर्मूला नंबर 9 बनाना मुझे ये, अगर मैं इसको सब्जेक्ट बनाना चाहूँ तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताएं सर, शाबाश। नहीं नहीं अरे चंदा, हाँ प्रॉफिट लेस फिक्स कॉस्ट, नहीं 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 यार सतीश गौर करो, थोड़ा गलती कर, ये माइनस है, लेफ्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस नहीं हो जाएगा, या आसान करते हैं, ठीक है जी। नहीं ये तो सही अक्सर खतरी, मगर इससे निकालना चाह रहा हूं मैं, चलो यहां से डिराइव करो, आप इधर से इस इक्वेशन से डिराइव करो कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन। एक तो कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन का फॉर्मूला वो है जो मैंने ऊपर बताया, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। एक और फॉर्मूला भी बन गया ना यार, कि प्रॉफिट में क्या ऐड कर दो, फिक्स कॉस्ट ऐड बैक कर दो, फिक्स कॉस्ट ऐड कर दो तो भी आ जाएगा, तो जरा यार ये कहानियां नोट करें जरा काइंडली प्लीज, इन बातों को जरा नोट करें, इन फॉर्मूलों को नोट करें। अच्छा ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं, कहाँ लिखे हुए हैं, आए मैं आपको दिखा देता हूँ, मिलवा देता हूँ, ये फॉर्मूले हैंडआउट में लिखे हुए हैं, देख रहे हैं 9 के 9 फॉर्मूले हैंडआउट में लिखे हुए, ये सारे फॉर्मूले हैंडआउट में लिखे हैं, सॉरी अरे क्या हो गया, और एजेंडा भी लिखा, हमारा एजेंडा क्या है जो आज शुरू हो गया, आज हमारा ये एजेंडा शुरू हो गया, सिंपल ब्रेक इवन में हमने कुछ काम कर लिया आज, मगर इस पर बहुत डिटेल में जाना है, फिर आगे की क्लासों में एक कॉन्सेप्ट आएगा वेटेड एवरेज का, मल्टीपल ब्रेक प्रोडक्ट्स होंगे तो वहां पे अप्रोच चेंज होगी, फिर तीसरा हमारा एजेंडा होगा मल्टीपल ब्रेक इवन पॉइंट के, जहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो एक होगी मगर सिक्स कॉल बहुत ज्यादा होंगी, मल्टीपल ब्रेक इवन पॉइंट्स। फिर ब्रेक इवन एनालिसिस विद टैक्सेस, ये एक एरिया है जो पेपर में बहुत आता है, टैक्सेस, ब्रेक इवन विद नॉर्मल लॉस, ये बड़ा जबरदस्त एरिया है, ये पेपर में सिर्फ एक दफा आया हुआ है, मगर मैं बहुत अर्से से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पेपर में वापस आ सकता है, ठीक है ना, पेपर में वापस आ सकता है। और पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस, ये भी एक एरिया बहुत अर्से से पेपर में नहीं आया है, तो बिल्कुल जो है पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है जी। तो ये तकरीबन 6 एजेंडे हैं हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कैलकुलेशन क्यों होती है कॉन्ट्रीब्यूशन की जी, कॉन्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट इसलिए करते हैं, पहली सीढ़ी क्या, अगर मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन नेगेटिव है बिजनेस बंद कर देना चाहिए, बिजनेस को ताला लगा देना चाहिए, अगर कॉन्ट्रीब्यूशन ही नेगेटिव है बिजनेस को बंद कर देना चाहिए। खैर तो यार ये एजेंडे, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रीब्यूशन पहली सीढ़ी है, अगर एक प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस 30 रुपए और उसकी वेरिएबल कॉस्ट 35 रुपए, मुझे बताएं ये बिजनेस चलेगा या बंद हो जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं आपसे जाते हुए। हाँ ये बिजनेस चलेगा या बंद हो जाएगा, क्या लग रहा है आपको, हाँ क्या बात कर दी मुई अहमद ने, ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्यों चलेगा नहीं, परवीन कैसे चलेगा, परवीन लड़के ये तो बंद हो जाएगा यार, क्यों क्यों, हर एक यूनिट पे 30 रुपए आएंगे और 35 रुपए चले जाएंगे, हर एक यूनिट 5 रुपए जेब से देना पड़ रहा है, नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन, इस बिजनेस को ताला लगाओ फौरन फौरन, जेब से पैसे देने पड़ेंगे भाई, जबरदस्त नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ऐसा तो नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए कॉन्ट्रीब्यूशन तो पहली निशानी है कि काम करें या ना करें, अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव है फिर क्या करें, फिर हम क्या करते हैं जब कॉन्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव आ गया, मिसाल के तौर पर 25 रुपए आ गया,
वेरिएबल कॉस्ट है, कंट्रीब्यूशन 5 रुपए, अब क्या करें, अब चलाएं बिजनेस, मगर अभी भी मरहला है एक और, क्या कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव आ गया, खुश नहीं होना, खुश नहीं होना। अगला काम क्या है, अगला मरहला क्या है, अगला पड़ाव क्या है, पहला टारगेट क्या है, इसके फौरन बाद ही पहला टारगेट, बिल्कुल पहला टारगेट फौरन, जबरदस्त फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट कवर होगी तो फिर खुशी होगी भाई, फिर खुशी होगी। और फिर भी उसके बाद क्या करना है, प्रॉफिट, टारगेट प्रॉफिट। तो मरहले बहुत है भाई, मरहले बहुत है, ठीक है जी, मरहले बहुत है। मेला वेला आपको मैंने मेले में घुमा लिया, आपको 3 दोस्तों से मिलवा दिया, ठीक है जी, पेप्सी का स्टॉल लगवा लिया हमने आज पहली क्लास में, ठीक है जी। तो कुछ बातें समझ आई आज हमें भाई, हाँ, फॉर्मूले की लॉजिक समझ आई, फॉर्मूले रटे नहीं लगाने, देखो पूरा मैंने मेले वाली एग्जाम्पल बनाई, इसीलिए मटीरियल की क्वेरी मुझे व्हाट्सअप कर दें, इब्राहिम आदिल मुझे नंबर पे व्हाट्सअप कर दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में तकरीबन तकरीबन आ जाएगा। अच्छा शेड्यूल बता रहा हूँ मैं, हाँ यार ये सुन लो, शेड्यूल सुन लो भाई, हमारी क्लासेस का स्केड्यूल क्या होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्लासेस हमारी कब कब होंगी, ये स्केड्यूल समझ लो यार प्लीज। अच्छा इस स्केड्यूल में कल के दिन थोड़ा ऑफ है, मतलब ऑफ मतलब ये है कि कल थोड़ा सा चेंज होगा स्केड्यूल, मगर वैसे स्केड्यूल क्या है हमारी क्लासेस का, आप जरा स्केड्यूल देख लें गौर से, जो आपसे स्केड्यूल होगा, हाँ दिमाग में बैठ गई चीजें, अच्छा स्केड्यूल हमारा ये भाई, इंशाल्लाह हमारी मुलाकात जो हुआ करेगी हफ्ते में वो 5 दिन हुआ करेगी, एक दिन हम मिला करेंगे मंडे को, ठीक है, फिर हम मिलेंगे ट्यूसडे को, ठीक है, कल भी मुलाकात होगी, फिर हम मिला करेंगे थर्सडे को, और फिर हमारी मुलाकात हुआ करेगी सॉरी फ्राइडे को, मैं चेंज कर रहा हूँ, फ्राइडे मैंने अब हटा दिया दिन, सैटरडे को और संडे को, फ्राइडे हमारा ख़त्म हो गया फिलहाल, आगे ज़रूरत पड़ी तो देख लेंगे, अभी फ्राइडे को हम नहीं निकले, फ्राइडे को हम स्पेयर रखेंगे अगर जब कोर्स हमारा अगर स्लो हो रहा होगा। अच्छा मंडे का टाइम क्या है, मंडे का टाइम हमारा है भाई थोड़ा सा छोटा टाइम है मंडे को, मंडे को हम करेंगे ये, हाँ कल प्रोसेस कराएंगे यार, कल प्रोसेस कराएंगे, मंडे को हमारा टाइम है 6:15 से लेके 8:15, ठीक है जी, 8:15 बजे तक। पुराने स्टूडेंट ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं जी, कोई मसला नहीं, अगर आप बोर्ड नहीं हो रहे होंगे तो बिल्कुल ले लीजिएगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, एनीवन कैन ज्वाइन यार, अभी तो वैसे भी क्लासेस खुली हुई है। और यार देखो अगर आपको हमारी क्लासेस से बेनिफिट मिल रहा है तो ये एक अच्छा है, आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हो, अभी सिर्फ सीबी की एक क्लास हुई है, सीबी की अगली क्लास जो होगी ना मंडे को होगी, मंडे को, तो अगर कोई बीच में आना चाहे तो आ सकता है, मैं ये वाला लेक्चर यूट्यूब पर डाल दूंगा, आगे के लेक्चर पर मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा, मगर आज का लेक्चर मैं चलो सीबी का डाल देता हूँ यूट्यूब पे, ताकि दूसरे लोगों को भी एक्सेस हो जाए, मगर ये कि आगे से फिर थोड़ा सा लिमिटेड हो जाएगा। आप लोग यार कोई यार दोस्त वगैरह जो कॉस्टिंग से परेशान हो, कॉस्टिंग से तंग हो, तो आपने हमारा स्टाइल देखा है तो यार आप उनको फॉरवर्ड कर सकते हो मैसेज, और वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं, थोड़ा सा किसी का भला ही हो जाएगा इसी बहाने। खैर अच्छा मंडे को हमारा टाइम ये होगा, ट्यूसडे को हमारा टाइम होगा 6:15 से 9:15, थर्सडे को हमारा टाइम होगा 6:30 से, थोड़ा लेट शुरू करेंगे, कुछ लोगों का क्लैश है तो थर्सडे को हम थोड़ा सा लेट शुरू करेंगे 9:15। सैटरडे को जो है वो हमारा टॉपिक होगा तकरीबन सुबह 11 से तकरीबन 1:15 बजे तक, जैसे आज हो रहा है हमारा, ठीक है जी, 11 to 1:15, ठीक है, सुबह 11 बजे मिलेंगे, थोड़ा टाइम पे आना है हमने काम। और संडे को हमारा जो है, हाँ बस जमात से 5 मिनट पहले छोड़ दूंगा, 9:15 में मुझे पता है जमात है, मेरे घर भी 9:15 में जमात हो जाएगी अब। अच्छा संडे को हमारा जो यूजुअल टाइम है ना, वैसे वो टाइम हुआ करेगा नॉर्मली 3:15 से 6:15, ये नॉर्मली टाइम हुआ करेगा, असल में हम ऑफ कर दिया करेंगे, सही है, मगर इस बार अभी कल की जो क्लास है ना, फॉर टुमारो कल भी संडे है, मगर कल थोड़ा सा यार कुछ मजबूरी है तो आई एम नॉट अवेलेबल एट दिस टाइम, तो दैट्स वाई जो कल की क्लास होगी ना हमारी फॉर टुमारो संडे, ये होगी तकरीबन 6 बजे से लेके 9 बजे तक, कल के दिन थोड़ा चेंज कर रहे हैं इसको, ठीक है ना, 6 बजे से लेकेंगे इंशाल्लाह 9 बजे तक कल के दिन, मगर वैसे जो क्लास होगी इंशाल्लाह 6:15 बजे से कल शुरू करेंगे। प्रोसेस और सीबी साथ साथ चलेंगे, बिल्कुल है ना, प्रोसेस और सीबी साथ साथ चलेंगे, ये कल की क्लास जो है वो प्रोसेस की है, प्रोसेस की भी मैं नेक्स्ट क्लास के बारे में बता दूंगा, प्रोसेस की जो नेक्स्ट क्लास होगी, मैं कल पहली क्लास है प्रोसेस की, तो यार अगेन कोई प्रोसेस कॉस्टिंग लेना चाहे आपका यार दोस्त वगैरह, आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हो लिंक, मैं क्लास का लिंक इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है, तो किसी का भला ही हो जाएगा। असर 5:45 पे होती है, बिल्कुल जी, 6 बजे वैसे इंशाल्लाह 6:30 तक हम सीरियस स्टार्ट कर लेंगे असर के बाद कल, वरना पहले हमारी वैसे कोशिश होगी कि असर तक ऑफ कर दें। ये हमारा स्केड्यूल आप नोट कर लें, इंशाल्लाह ये स्केड्यूल फॉलो होगा, 5 क्लासें
और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हो सकता है क्लासेस के टाइमिंग भी और आगे बढ़ जाए। इनिशियल लेवल पे भी हम 5 रखते हैं, फिर हम इंशाल्लाह हुआ तो टाइम थोड़ा बढ़ा देंगे। ठीक है, कल सीबी की क्लास नहीं है, नहीं कल सीबी की क्लास नहीं है, इंशाल्लाह सीबी की क्लास हमारी जो है अगली वो क्या कहते हैं मंडे को होगी। मंडे को इसकी स्नैप चाहे तो ग्रुप पे डाल दें ताकि बाकी कोई अगर मिसाल के तौर पर आज एब्सेंट है तो वो भी ये टाइम टेबल से फायदा उठा ले। ठीक है जी, चले यार इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है। प्रोसेस कॉस्टिंग में कोई भी अटेंड कर सकता है, पुराना बच्चा, नया बच्चा, नया बच्चा, कोई भी जिसे कहते हैं पोस्ट रिजल्ट वाले भी अटेंड कर सकते हैं और ये क्या कहते हैं हमारे प्री रिजल्ट वाले भी अटेंड कर सकते हैं और कोई आपका यार दोस्त वगैरह भी ले सकते हैं। फिजिकल क्लासेस सेशन में होती नजर नहीं आ रही, चंदा क्या करें। ट्यूजडे और थर्सडे को 9 बजे ऑफ कर दें यार, थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, 9:15 बजे नमाज हो रही है तो बस मैं 9:10, 9:12 पे इंशाल्लाह कर दूंगा। कल रेगुलर की क्लास नहीं है, अगर कोई लेना चाहे तो प्रोसेस कॉस्टिंग की क्लास ले सकता है, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, चले यार दुआओं में याद रखिएगा मुझे भाई, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, लाइफ इज वेरी अनसर्टेन। ठीक है, जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा, उम्मीद है चीजें समझ आई होंगी, रिवाइज करिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे संडे को, कल या परसों। अस्सलाम वालेकुम। फर्दर प्रोसेस के साथ बढ़ेंगे, फर्दर प्रोसेसिंग बाद में बढ़ेंगे, डिसीजन मेकिंग के साथ। आखिरी फॉर्मूला दिखा दें जी, आखिरी फॉर्मूला दिखा दें, ये ले जी आखिरी फॉर्मूला देखिए। चलिए जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।